चलें शुरू करते हैं। अच्छा, कल हमने किया था रेडिकल फेमिनिज्म तक, और आज जो है हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म करें, डिफरेंट फेमिनिस्ट थीरीज करें, तो उसमें हम आज करेंगे मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म क्या चीज है? लेकिन ये जो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है, ये सोशलिज्म और मार्क्सिज्म के आइडिया से इंस्पायर होकर एक फेमिनिज्म बनाए, और ये उसका फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क जो है वो करता है। सो द सोशलिस्ट या मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, इट अरोज इन 1960s and 1970s, और ये रेडिकल फेमिनिज्म की जो वेव आ रही थी 60s 70s में, सेकेंड वेव के दौरान ही ये भी आपको नजर आएगा। अगर इसकी हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखें, तो हमें जो कार्ल मार्क्स के एक काफी गहरे दोस्त थे फ्रेडरिक एंगल्स, उनके काम में भी हमें ये एक आइडिया नजर आते हैं। इनकी एक बुक है द ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, तो उसके अंदर वो डिफरेंट किस्म के ऐसे आइडियाज बताते हैं जो कि हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली मार्क्सिज्म के पर्सपेक्टिव से अगर कोई फेमिनिज्म होगा तो उसको सोशलिस्ट फेमिनिज्म या मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म कहते हैं, और इसमें इन्होंने बेसिकली डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट दिए। जैसे फ्रेडरिक एंगल्स ने कहा था कि जो विमेन होती है वो स्लेव ऑफ द स्लेव है, इन द सेंस कि मैन जो है वो फैक्ट्रीज में स्लेवरी करता है, और विमेन जो है वो फर्दर उस आदमी की स्लेवरी करती है। तो मार्क्सिज्म हमें पता है कि हर चीज को कैपिटलिज्म के पर्सपेक्टिव से देखता है, हर चीज को कैपिटलिज्म के पर्सपेक्टिव और एक्सप्लॉयटेशन के एंगल से देखता है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के पर्सपेक्टिव से। तो मेजर आइडियाज क्या है इसके, कि कैपिटलिज्म इज द रूट कॉज ऑफ वुमेन्स ऑप्रेशन, क्योंकि ये जो फेमिनिस्ट हैं ये मार्क्सिस्ट भी होती हैं और फेमिनिस्ट भी होती हैं, तो वो फिर दोनों आइडिया साथ साथ चल रहे हैं। कैपिटलिज्म इज द रूट कॉज ऑफ वुमेन्स ऑप्रेशन, के जो बुनियादी मसला है जिसकी वजह से औरतें सफर करती हैं वो कैपिटलिज्म है, दिस इज नोन एज मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। देयर इज अ नेक्सस ऑफ कैपिटलिज्म एंड पेट्रियार्की। नेक्सस क्या होता है कि गठजोड़। कैपिटलिज्म और पेट्रियार्की क्या है? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो कैपिटलिज्म और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी आपस में लिंक्ड है, ठीक है? तो वो उसको सेपरेट करके नहीं देखते, इसको आपस में इसका एक लिंक ही देखते हैं कि पेट्रियार्की कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है और कैपिटलिज्म पेट्रियार्की को सपोर्ट करता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो ये देते हैं, दैट इज प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव लेबर, अनपेड रिप्रोडक्टिव लेबर। अब ये क्या होती है, ये क्या कॉन्सेप्ट है कि औरतों से ऐसी लेबर कराई जाती है, क्योंकि ये इकोनॉमिक टर्म्स में सोचती हैं, मार्क्स के पर्सपेक्टिव से आए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ये देते हैं कि जनरली जो आपके माशरे में प्रोडक्टिव लेबर होती है, जैसे कि मर्द बाहर जाके काम करते हैं तो उसको पैसे दिए जाते हैं, हमारे घरों में औरतें काम करती हैं उसको तो उस लेबर की कोई पैसे नहीं दिए जाते। तो इसका मतलब है औरतें घर में जितनी करती हैं वो अनपेड लेबर है, तो वो माशरे में एक लेबर चल रही है जिसकी कोई वेज नहीं है। मर्द घर के काम नहीं करते, ठीक है, तो घर के काम ज्यादा औरतों पे होते हैं, और वो सारी की सारी लेबर जो है वो अनपेड है, तो ये अनपेड लेबर है। इसी में अनपेड रिप्रोडक्टिव लेबर भी है, कि आप ये देखें कि औरतें बच्चे पैदा करती हैं और 10 तरह की चीजें करती हैं, ठीक है, और उसमें आप उनको किसी किस्म की कोई कंपेंसेशन नहीं देते। अगर वही काम आप देखें, घर का काम, कोई काम का कोई बंदा आप रखें बाहर से सफाई के लिए या किसी भी ऐसी चीज के लिए, तो उसको आप पैसे देंगे, वही काम जब घर की और करके उसको पैसे नहीं देंगे। तो यहाँ पे हमें कैपिटलिज्म और हमें विमेन्स ऑपरेशन का एक लिंक नजर आता है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का भी एक लिंक समझ आ रहा है। विमेन एज रिजर्व फोर्स ऑफ लेबर, विमेन को इस समय देखा जाता है कि विमेन रिजर्व फोर्स ऑफ लेबर हैं। जब फैक्ट्रियों में मर्दों की जरूरत होती थी लेकिन वो नहीं होते थे, जैसे जंगों पे गए हुए हैं, तो फिर औरतों से काम लिया जाता है। तो कैपिटलिज्म का निज़ाम एक्सप्लॉयटेटिव है और औरतों के लिए वो और भी एक्सप्लॉयटेटिव है। विमेन एज स्लेव ऑफ द स्लेव, स्लेव ऑफ द स्लेव का गुलाम का गुलाम, मर्द जो है वो कैपिटलिस्ट निज़ाम का गुलाम है, वहां लेबर में काम करता है, विमेन उसकी गुलाम है, तो स्लेव ऑफ द स्लेव है।
और पूरे माशरे में हम एक जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर नजर आती है, औरतें घर पे काम करती हैं, मर्द जो है फैक्ट्रियों पे काम करते हैं, ये जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर है। तो माशरा इस तरह से कुछ काम जो कि हाई पेड हैं वो मर्दों को दे देता है, और जो कि लो पेड हैं, जो कि बल्कि अनपेड भी हैं, वो औरतों को देता है। ये जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर है, जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर होती है, और उससे औरतों को इवेंचुअली अनपेड या अंडरपेड जॉब्स दी जाती हैं। सॉल्यूशंस क्या कहते हैं, कुछ जो देते हैं इसमें कि फैमिली सिस्टम को डिसॉल्व करें, फैमिली सिस्टम इसको पेट्रियार्की को और कैपिटलिज्म को जो है वो आगे प्रमोट करता है, पेड हाउस वर्क को डिस्ट्रॉय कैपिटलिज्म। तो ये कुछ इनके एक्सट्रीम किस्म के डिमांड्स हैं, वो आप देख सकते हैं। फिर जो मार्क्सिस्ट हैं वो लिबरल फेमिनिज्म को भी वो करते हैं क्रिटिसाइज, क्योंकि वो कहते हैं कि वो जो क्लास एक डिफरेंस है जो कि लिबरल फेमिनिज्म है, वो उस सारी क्लास जो डिफरेंस है उसको परपेचुएट करता है, और वो एक औरतों की इकोनॉमिक उसकी बेहतर बात नहीं करता। तो वो ज़ाहिर है उनकी वैसी लिबरल मार्क्सिज्म की लिबरल से नहीं बनती, तो लिबरल फेमिनिज्म को भी मार्क्सिस्ट क्रिटिक करते हैं। ओके, तो ये है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, और ये इस पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं आप। मेजर प्रोपोनेंट्स कौन से हैं, ये इनके नाम आप देख सकते हैं, और जिन्होंने इस पर्सपेक्टिव में ज्यादा काम किया, ठीक है, और ये उनके कुछ उनके नाम हैं जो उन्होंने एसेज वो लिखे हैं। एक दो बस आप जहन में रख लीजिएगा, कोई ऐसा चीज को आपको बहुत डिटेल में करने की जरूरत नहीं, ये याद करने की जरूरत नहीं, बस मेन आइडियाज जो है ना वो जहन में रखिए। इसके बाद जो है वो एक और तरह का फेमिनिज्म आता है, दैट इज मेंस फेमिनिज्म, और ये भी बाद में आई हुई चीज है मेंस फेमिनिज्म, कि मर्दों का फेमिनिज्म। और ये आइडिया क्या है कि मर्दों का भी एक फेमिनिज्म है, ठीक है, कि मर्दों के भी राइट्स की भी बात होनी चाहिए। और ये क्या चीज है मेंस फेमिनिज्म, अ ग्रोइंग फील्ड ऑफ स्टडी व्हिच अप्लाइज फेमिनिस्ट थ्योरीज टू द स्टडी ऑफ मेन एंड मैस्कुलिनिटी। जैसे फेमिनिनिटी है, जैसे सोशली कंस्ट्रक्टेड फेमिनिन कॉन्सेप्ट्स हैं, इसी तरह सोशली कंस्ट्रक्टेड मेंस कॉन्सेप्ट भी हैं, जैसे कि मैस्कुलिनिटी। तो मैस्कुलिनिटी को स्टडी करते हैं, उस पर मर्द किस तरह सफर करते हैं या क्या वो फील करते हैं, तो ये मेंस फेमिनिज्म है। जो हार्ड कोर विमेन फेमिनिस्ट हैं वो इसको नहीं पसंद करती हैं, वो कहते हैं कि यार ये तो बड़ी कोई गलत अप्रोच है, क्योंकि औरतों के लिए वो एक सब्जेक्ट बना है, तो इसको मर्दों पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो मकसद ही क्या रहा। मैस्कुलिनिटी इज द सेट ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस एंड कल्चर रिप्रेजेंटेशन एसोसिएटेड विद बीइंग अ मैन। तो मेंस फेमिनिज्म इन चीजों को जो है वो स्टडी करता है। मेजर आइडियाज क्या है, वही जो फेमिनिज्म के हैं वो मेन फेमिनिज्म में आ जाएगा। मैस्कुलिनिटी इज नॉट फिक्स्ड, देयर इज अ होल रेंज ऑफ मैस्कुलिनिटीज, और मैस्कुलिनिटी को भी स्टडी करना जरूरी है। उसी में हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी का आइडिया आ जाता है, और ये क्या आइडिया है कि डिफरेंट किस्म के आइडियाज हैं मैस्कुलिन होने के, वो कोई फिक्स आइडिया नहीं है। और हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी क्या है, ये आरडब्ल्यू कॉर्नेल की जेंडर ऑर्डर थ्योरी है, उसमें सबसे ऊपर जो है हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी होती है, और उसकी तरफ हर कोई एस्पायर कर रहा होता है, सबसे ज्यादा पावर उसकी होती है, फिर इवेंचुअली जो दूसरे हैं वो नीचे आते हैं, एक डोमिनेंट फॉर्म मैस्कुलिनिटी। तो ये भी एक आइडिया, ये कोई बहुत बड़ी फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म नहीं है, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि मेंस फेमिनिज्म भी एक चीज है। हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी इज डिफाइंड एज अ प्रैक्टिस दैट लेजिटिमाइजेज मेंस डोमिनेंट पोजीशन इन सोसाइटी, जस्टिफाइज द सबऑर्डिनेशन ऑफ द कॉमन मेल पॉपुलेशन एंड वुमेन। तो इसमें सिर्फ वेमेन नहीं, आम मर्द भी जो है वो सब्जुकेटेड है, और इसके अंदर जरूरी नहीं कि सिर्फ वेमेन सब्जुकेटेड हो। हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी में एक परफेक्ट या आइडियलाइज्ड फॉर्म ऑफ मेल जो है डोमिनेट करता है। फिर अगला एक फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म है विच इज नोन एज पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, और पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म वो फेमिनिज्म है जिसको जो पोस्ट मॉडर्निज्म ने जिसको इन्फ्लुएंस किया है, और इस किस्म के स्कॉलर्स जो कि पोस्ट मॉडर्निस्ट कहलाते हैं उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है। पोस्ट मॉडर्निज्म एक अपने आप में एक पूरी सोच है, और पोस्ट मॉडर्निज्म ने जब फेमिनिज्म पे आ गया तो उसको काफी इन्फ्लुएंस किया। पोस्ट मॉडर्निज्म का काफी इन्फ्लुएंस है, स्पेशली जो है वो थर्ड वेव में और क्वीर थ्योरी में, क्वीर थ्योरी में और थर्ड वेव में। तो क्वीर थ्योरी और ये जो है इससे निकलते हैं। इसमें डिफरेंट किस्म के पोस्ट मॉडर्न स्कॉलर्स हैं, यॉर्क डेरिडा, मिशेल फूको, ठीक है, तो ये इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है। अच्छा, इनके मेन जो बेसिकली आइडियाज क्या हैं, ठीक है, इनके मेजर आइडियाज क्या हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के,
पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिटी, कोई आइडिया फिक्स नहीं है, कुछ भी जो है एक आइडेंटिटी फिक्स नहीं है, और रिजेक्शन ऑफ एसेंशियलिज्म एंड यूनिवर्सल ट्रुथ्स। अब ये क्या बात है कि कोई एसेंस नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई एसेंशियल आइडिया नहीं है, क्योंकि ये किसी भी ट्रुथ को स्टेबलाइज नहीं होने देते। तो यहाँ से हमें एक बेसिक आइडिया नजर आता है कि जो जेंडर आइडेंटिटीज हैं उनको भी ये रिजेक्ट करते हैं, और वो उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ठीक है। फिर ये बात करते हैं सब्जेक्टिविटी की, इंस्टेड ऑब्जेक्टिविटी, दिस आइडिया गोज विद दिस, कि सब्जेक्टिविटी क्या होती है कि एक ही चीज को मल्टीपल एंगल से देखना और उसमें किसी किस्म की ऑब्जेक्टिव कोई रियलिटी जो है वो एग्जिस्ट ना करना। तो ये कहते हैं कि जितने भी जेंडर के आइडियाज हैं, जितने भी सेक्सुअलिटी के आइडियाज हैं, जितने भी ये डिस्कोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं माशरे में, वो सारे के सारे जो है वो सब्जेक्टिव हैं, और उनके अंदर कोई भी चीज अगर ऐसे बताई जाती है कि यही सच है तो वो झूठ है, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटरसेक्शनैलिटी का भी आइडिया था, इंटरसेक्शनैलिटी, इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म भी अब एक पूरी ब्रांच निकल आई हुई है, वो हमारे कोर्स में तो नहीं है लेकिन वो इम्पोर्टेंट है। इंटरसेक्शनैलिटी बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, और ये कहते हैं कि एक इंसान की आइडेंटिटी जो है वो डिफरेंट उसकी रियलिटीज को इंटरसेक्ट कर रही होती है, कि उसका जेंडर क्या है, क्लास क्या है, एथनिसिटी क्या है। तो एक कह देना कि ये वुमेन सप्रेस्ड है, दिस इज नॉट इनफ, एक वुमेन, एक वाइट वुमेन, एक हिस्पैनिक वुमेन, एक ब्लैक वुमेन, सारे वुमेन का एक्सपीरियंस फर्क है। इंटरसेक्शनैलिटी इस तरह से देखता है कि आपके डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ लाइफ जो हैं, जब वो इंटरसेक्ट करते हैं तो आपकी रियलिटी बनती है। ये एक एंगल से देखना कि वुमेन है वो ठीक नहीं है, तो ये भी पोस्ट मॉडर्निज्म और थर्ड वेव के अंदर आ जाता है, ठीक है। थर्ड वेव हम अलग से भी करेंगे, तो ये इंटरसेक्शनैलिटी कहलाती है, क्योंकि वो एक आईडी, एक चीज को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखने की बात करती है ना पोस्ट मॉडर्निज्म। तो इंटरसेक्शनैलिटी भी इसी एक एंगल से आता है कि रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है कि एक कैटेगरी आपने बना ली है वुमेन, नहीं, एक वुमेन अगर उसकी एथनिसिटी क्या है, अगर वो व्हाइट वुमेन है तो उसका एक्सपीरियंस फर्क होगा, अगर वो ब्लैक वुमेन है तो उसका एक्सपीरियंस फर्क होगा, अगर वो इंडियन वुमेन है तो उसका एक्सपीरियंस फर्क, उनके अंदर भी क्लास है। अगर वो अमीर ब्लैक वुमेन है, रिच ब्लैक वुमेन है, तो उसका एक्सपीरियंस बेहतर होगा, और इवन एक रिच ब्लैक वुमेन का एक पुअर वाइट वुमेन से शायद एक्सपीरियंस बेहतर हो जिंदगी का। तो ये सारे फैक्टर्स उसकी जिंदगी के आप जब इंटरसेक्ट करते हैं तो एक एक्सपीरियंस बनता है, और वो हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है, इससे ये एक फर्दर वो निकल। सो देयर इज नो फिक्स्ड कैटेगरी ऑफ मैन और वुमेन, ये बेसिकली सोशल कंस्ट्रक्ट्स हैं, ये कोई फिक्स नहीं है, और ये जो है मैन वुमेन और इस किस्म के जो है वो जेंडर, इधर से जो है वो क्वीर थ्योरी निकलती है। इसीलिए सेक्स को भी एज अ सोशल कंस्ट्रक्शन दिखाया जाता है, और सेक्सुअलिटी को भी सोशल कंस्ट्रक्शन है, कि हम जो सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं किसी और से, ये भी एक सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमिना है। ये इस कहना कि हेट्रोसेक्सुअल होना ठीक है, दिस इज ऑल सोशली कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। तो इस चीज को जो है ये थोड़ा एक स्टेप आगे ले जाते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म काफी एक्सट्रीम किस्म का आपको एक आइडिया मिलता है, ठीक है। देन रिजेक्शन ऑफ ग्रैंड नैरेटिव्स, और कई जो है वेस्टर्न जो बड़ी बड़ी बातें हैं वेस्टर्न उसमें दी जाती हैं फिलोसफी में और फिर फेमिनिज्म में भी, उनको रिजेक्ट करता है। लेकिन ये जो रिजेक्शन ऑफ ग्रैंड नैरेटिव्स है ना, या मेटा नैरेटिव, ये अपने आप को भी इसी तरह क्रिटिसाइज करें, क्योंकि ये खुद भी मेटा नैरेटिव दे रहे हैं। मेटा नैरेटिव क्या चीज होती है, कि कोई भी चीज जिसको आप सिंप्लीफाई करके एक फैक्ट से बहुत कम्प्लेक्स रियलिटी को एक्सप्लेन कर सकें, वो मेटा नैरेटिव होता है। तो उसको ये रिजेक्ट करते हैं कि नहीं, ये जो है हम ऐसी कोई चीज नहीं मानते, आप ट्रुथ कभी तक एक्सेस कर ही नहीं सकते। लेकिन ये थोड़ा सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी आइडिया है इनका, क्योंकि खुद भी मेटा नैरेटिव ही दे रहे हैं इनका। फिर कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ जेंडर आइडेंटिटीज है, कोई एक जेंडर आइडेंटिटी नहीं होती, ये जेंडर फ्लूइड होता है, जेंडर बिल्कुल ही जो है फिक्स नहीं हो सकता, ठीक है। फिर लैंग्वेज का भी वो एक बात करते हैं कि जेंडर का लैंग्वेज के साथ भी लिंक होता है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि लैंग्वेज के साथ जो जो ओवरऑल पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, वो लैंग्वेज जो लिटरेचर की क्रिटिक करने पे भी काफी फोकस करता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये आता है कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो लैंग्वेज के जेंडर होने और उसके थ्रू जो डिफरेंट जो है कॉन्सेप्ट रीइन्फोर्स होते हैं उसकी भी बात करता है, ठीक है। तो लैंग्वेज जो है वो आपको एक बैरल विजन देता है, वो आपको रियलिटी एक शेप करता है, उस लैंग्वेज के थ्रू हम दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो उस पर भी ये एक बात करते हैं, ठीक है। इसके इश्यूज आप देख सकते हैं,
कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है एक तो वो बेसिक फेमिनिज्म को भी रिजेक्ट कर देता है। ये एक मसला है क्योंकि औरतें अगर इस कैटेगरी को ही रिजेक्ट कर देंगी कि वेमेन ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर हम किसके लिए एक्शन लें, मतलब हम किसके राइट्स के लिए लड़ें। मतलब कितनी अजीब सी बात है, अगर आप वेमेन की ही कैटेगरी रिजेक्ट कर देंगे तो हम औरतों के राइट्स की कैसे बात करें। और जहन में एक चीज रखिएगा, वैसे भी जिंदगी में कि जो चीज सब होती है ना वो कुछ भी नहीं होता, ये भी एक चीज होती है। इस सेंस में अब वो कह रहा है कि सबकी राइट्स हों, एक स्पेक्ट्रम ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। अगर एक स्पेक्ट्रम ऑफ जेंडर आइडेंटिटी तो फिर कैसे कोई बात हो कि हम कहें कि हम औरतों के राइट्स के लिए बात करें। और अगली बात ये हो कि औरत तो कोई चीज ही नहीं होती क्योंकि ये तो आइडेंटिटी ही सोशली कंस्ट्रक्टेड है। मतलब दिस इज यूजलेस। और उससे होता क्या है कि कोई आप देयर इज नो बेसिस फॉर पॉलिटिकल एक्शन। जब आपकी कैटेगरीज ही नहीं है तो फिर आप क्यों लड़ रहे हैं, क्या है मसला, आप समझ रहे हैं। तो वो चीज होते होते इतनी डीकंस्ट्रक्ट हो जाती है कि वो पॉइंटलेस हो जाती है, उसकी कोई यूटिलिटी जो है वो आगे नहीं रहती। जब आप इतनी चीज को डीकंस्ट्रक्ट करते जाते हैं तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाती है इस तरह से। तो इसमें ये मसला हमें नजर आता है। ठीक है जी, ये समझ आया आपको? पोस्ट मॉडर्निज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म आप लोगों के दूसरे पेपर्स में भी होता होगा, IR वगैरह में, पॉलिटिकल साइंस में। टाइमलाइन क्या है, समझा नहीं मैं सलीम, कि कौन पहले आया, कौन सा बाद में आया। ये सबसे बात का है, हम आगे वेव्स ऑफ फेमिनिज्म देखेंगे ना, फिर आपको थोड़ा टाइमलाइन भी समझ आ जाएगी। अभी आप बस इनके एज अ थ्योरी समझें, ठीक है, कि उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, लेकिन आया इस सबसे बात में है। जी समझ आ गया आप लोगों को पोस्ट मॉडर्निज्म? देखें क्या लैंग्वेज जेंडर्ड होती है, मुझे ये बताएं। इनके सोल्यूशंस कोई नहीं होते सिकंदर, पोस्ट मॉडर्निज्म सिर्फ क्रिटिक करता है, हल कोई नहीं देता। मतलब इनका कोई जो है ना वो जो, तो क्या लैंग्वेज जेंडर्ड होती है, मुझे कोई एग्जांपल दें। बाइबल में गॉड का किस तरह से आता है, या चले वो नहीं तो कोई और, पुलिसमैन, लॉ इज रिटन फ्रॉम मेल पर्सपेक्टिव, डॉक्टर, ऑफिसर, बिल्कुल सही है। और कोई एग्जांपल दें लैंग्वेज कैसे जेंडर्ड है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अच्छा मुझे ये बताएं, अच्छा मुझे ये मैनकाइंड, बहुत अच्छा वर्ड है। आपने देखे जो गालियां होती हैं जनरली औरतों की तरफ होती हैं, डिमीनिंग किस्म की, जो आपकी बेसिक, इसकी क्या वजह है? आप लड़कों को बहुत अच्छी तरह पता होगा कि बहुत सारी जो ये लैंग्वेज होती है जो लड़के एक दूसरे की तरफ यूज कर रहे होते हैं, वो बहुत शदीद जेंडर्ड होती है। आप जरा अपने ऊपर फोकस, कल को आप अपने दोस्तों के साथ बैठे होंगे ना लड़के जो हैं खासतौर पे, तो अपनी लैंग्वेज पे फोकस कीजिएगा। मतलब मैं वो जाहिर यूज तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको समझ आ जाएगी कि पूरी की पूरी जो भी फाउल लैंग्वेज होती है, और उसमें आपको नजर आएगा कि औरतें होती हैं या उसके अंदर रोल इस तरह से होता है कि जो मर्द है वो डोमिनेटेड होगा। मतलब वो मैं बता नहीं सकता। तो ये लैंग्वेज जेंडर्ड है। और इसके साथ आपने इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान में रखनी है, पावर लिंक्ड है, पावर लिंक्ड है। कैन यू सी हाउ पावर इज लिंक्ड? जो डोमिनेंट होगा वही पावर को भी रूल करेगा, और औरतों को एक डिमीनिंग सा एक छोटा रोल दे दिया जाएगा। आप फॉलो करें, वुमेन को सब्जुकेट के, तो लैंग्वेज के साथ पावर लिंक्ड है। समझें आप बात, नजर आ रहा है आपको कि लैंग्वेज के साथ पावर कैसे लिंक्ड है? तो पोस्ट मॉडर्निज्म इसको भी क्रिटिक करते हैं कि लैंग्वेज आपके आइडियाज को बिल्ड करती है, नॉलेज जो है उसमें पावर लिंक्ड होता है, और एक सर्टन जो है एक सर्टन किस्म का विजन दिया जाता है औरतों का, और उससे जो है उनका रोल भी वही सब्जुकेटेड रहता है। अगर आप जोक्स देख लें, हमारे जो पिछली जनरेशन थी, व्हाट्सएप पे जोक्स आते हैं, वो जो मियां बीवी वाले जोक्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब वो यही है ना। मैं लैंग्वेज जेंडर्ड के एंगल से बता रहा हूँ, ये जो जोक्स होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली उनके अंदर आप देखेंगे कि औरतों का एक अजीब सा एक रोल बनाया होता है, बीवियों का एक अजीब सा रोल बनाया होता है, उनको इरेशनल दिखाया जाता है। आई डोंट नो आपकी नजर से ऐसे जोक्स गुजरे हैं कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो भरे हुए होते हैं ये व्हाट्सएप पे, आगे पीछे आपने देखे होंगे, ऐसे ही है ना। तो ये बेसिकली
हाँ गोल्ड डिगर है, होता है ये सारी इस तरह। तो ये लैंग्वेज के जेंडर्ड होने के एग्जाम्पल हैं कि आपके लैंग्वेज, आपका लिटरेचर, आपका जो एक सोसाइटी पूरा नॉलेज क्रिएट करती है उसके अंदर ये जेंडर्ड रोल्स, उनकी एक पूरा एक इमेज बनाया जाता है। ठीक है कि औरतें तो रैशनल होती हैं, छड़ यार औरतें तो ऐसी होती हैं, बीवियां तो लड़ती रहती हैं, नैगिंग होती हैं, इस किस्म की जो पूरा एक बनाया होता है ना। ठीक है, बीवी का कॉन्सेप्ट अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि उसके अंदर इतने सारे आइडियाज छुपे हुए हैं कि वो अपने हस्बैंड को हमेशा तंग करी होगी, या वाइन करी होगी, या वो एक प्रॉब्लम मेकर है, या बीवी से दूर भाग रहा है कोई बंदा। इस किस्म की आपको बातें हमेशा हमारी डिस्कोर्स में और उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये लैंग्वेज के जेंडर्ड होने की वो है। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ वुमेन वीकनेस? मैं समझा नहीं, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ वुमेन वीकनेस, क्या मतलब इस बात का? विमेन गॉसिप करती हैं, हालांकि सारे गॉसिप करते हैं, ये तो बस बात है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। ये ड्रामे भी सारे ही देखते हैं, ये भी ऐसी बातें ही हैं। अच्छा चलें आगे चलते हैं। अच्छा ये हमने देखा कि लैंग्वेज इस तरह से जेंडर्ड है, आपने भी इस तरह से एग्जाम्पल देनी है और उसमें आप बताएं कि कैसे लैंग्वेज सर्टेन रोल्स को रीइन्फोर्स करता है, सर्टेन स्टीरियोटाइप्स को रीइन्फोर्स करता है। फिर एक और फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म है विच इज नोन एज साइको एनालिटिक फेमिनिज्म। और साइको एनालिटिक फेमिनिज्म बड़ा अजीब सा एक फेमिनिज्म है, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के फेमिनिज्म है ना। ये इंस्पायर हुआ हुआ है सिगमंड फ्रॉयड की थीरीज से, और सिगमंड फ्रॉयड की जो थीरीज है वो साइको एनालिटिकल एनालिसिस, हमें पता है उससे निकली है। सिगमंड फ्रॉयड की बेसिक थीरी ये थी कि हर इंसान के जहन में एक सबकॉन्शियस होता है, और सबकॉन्शियस के अंदर फिर जो है ना काफी कंटेंट होता है, काफी उसकी मेमोरीज फीलिंग्स जो है वो सप्रेस्ड होती हैं, और वो इंसान की जो साइको सोशल डेवलपमेंट है उसमें पूरा एक उसका एवोल्यूशन होता है। ठीक है ना, बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, एक्सपीरियंसेस से गुजरता है, उसकी पूरी साइकोलॉजी जो है डेवलप होती है। तो ये साइको एनालिटिक उसकी बात करते हैं। फ्रॉयड की थ्योरी से अगर आप वाकिफ हैं, साइकोलॉजी की थ्योरी है, उसमें डिफरेंट किस्म की जो है वो उसकी बात, ये कहते हैं कि इंसान की सबकॉन्शियस में डिफरेंट डिजायर्स होती हैं, सेक्सुअल डिजायर्स हैं और डिफरेंट डिजायर्स हैं, अगर बंदा उनको एक्सप्रेस नहीं करता, सप्रेस करता है, तो वो जो है और डिफरेंट तरीकों से निकलते हैं। तो सेक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है फ्रॉयड की बेसिकली सारी उसमें फिलोसफी में। ठीक है, और ये एक फ्रॉयड की अपनी जो है साइकोलॉजी है जिसपे वो बिल्ड करते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर बिल्ड करके फेमिनिज्म बना हुआ है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़ा सटल है। मैं भी इसके आर्ग्यूमेंट्स ढूंढ रहा था आगे पीछे, तो बड़ी मुश्किल से मिले थे, लेकिन वो मैं आपको समझा देता हूँ जो जो चीजें मिली थी। अच्छा, एक रेंज ऑफ आइडियाज हैं, क्योंकि कोई एक स्कॉलर नहीं होता, इसमें डिफरेंट स्कॉलर्स होते हैं, उन्होंने उस लाइन को पकड़ के डिफरेंट काम किए होते हैं। इसमें डिफरेंट किस्म की अप्रोचेज हैं साइको एनालिटिक अप्रोच को फेमिनिज्म, लेकिन इसमें आपको बायोलॉजी और वो वाला पूरा एक रोल नजर आता है, क्योंकि फ्रॉयड की थ्योरी भी तो एक बायोलॉजिकल थ्योरी है ना, एक साइकोलॉजी की थ्योरी है, सोशल उस तरह नहीं है, इट्स मोर साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि साइंटिफिक साइड पे अपने आप को रखता है। तो इसमें दो तरह की हमें नजर आती हैं कि एक तो आप माइक्रो लेवल पे देख लें कि जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जहन की फॉर्मेशन कैसी होती है, रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, ठीक है, उसकी सेक्सुअलिटी के ट्रेट्स, और उन सब का एक रोल क्या होता है बच्चे की साइकोलॉजी डेवलप होने में। अगर आप फ्रॉयड की थ्योरी से वाकिफ हैं तो बड़ी अजीब अजीब उनकी थ्योरीज हैं। ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट और ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इस किस्म की चीजें उनके काफी हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा अगर आपको वो पता होगा तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मैक्रो लेवल पे आप इस चीज का एनालिसिस कर सकते हैं, मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी का और एडल्ट सेक्सुअलिटी का। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह की जो है ना, लेकिन आपकी साइकोलॉजिकल लेवल पे उस चीज को आप देखें। तो अगर आपने कुछ जहन में रखना है, इसको साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें फेमिनिज्म को। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये है, इसमें इस किस्म की बातें आ जाती हैं कि जैसे मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी है, तो अब इसके अंदर असल में पता है क्या है, अगर आप फ्रॉयड की थी से वाकिफ हो, वो है भी बड़ी अजीब सी, जिस तरह की ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है, उन्हीं सारी आइडियाज को जो है ना उन्होंने चेंज करके जो है वो आगे बनाया हुआ है कि माँ का बाप के साथ रिलेशन कैसे होगा, बाप का जो है वो बेटी के साथ कैसे रिलेशन होगा, इस किस्म की जो है ये पूरी वो करते हैं कि माँ जो है बेसिकली औरत जो होती है वो माँ को आइडियलाइज करी होती है, बच्चा जो है वो बाप को आइडियलाइज करा होता है, और वो बेसिकली वहां से डिफरेंट किस्म के रोल्स जो है उनकी अडॉप्ट कर लेते हैं।
फिर एक और चीज इसमें कई इनमें आइडियाज आता है कि क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल की थ्योरी देती है, ठीक है, तो उसमें फिर ये भी आ जाता है कि मर्दों के अपने सबकॉन्शियस की ये टेंडेंसी है कि वो औरतों को सब्जुकेट करें, ये उसकी इंस्टिंक्ट है। तो इसमें इंस्टिंक्ट का कॉन्सेप्ट, इसमें एक सबकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए द रूट ऑफ मेन्स डोमिनेशन एंड वुमेन्स सब्जुकेशन लाइज डीप विद इन द ह्यूमन साइकी। तो ये कहते हैं कि मेल डोमिनेट इसलिए होता है मेल डोमिनेटेड क्योंकि इसकी साइकोलॉजी ऐसी है, उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट ऐसी है। फिर इसमें ये अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, ठीक है, कि बचपन से जो बच्चों को उसका सिखाया जाता है तो वो बड़ा एक लॉन्ग टर्म उसका इम्पैक्ट होता है, ठीक है, थोड़ा साइकोलॉजी के परस्पेक्टिव से। फिर एक कॉन्सेप्ट है ये पीनस एनवी का कॉन्सेप्ट है जो कि फ्रॉइड ने बनाया था, वही मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े अजीब अजीब किस्म के इनके कॉन्सेप्ट हैं। और ये कॉन्सेप्ट ये है कि औरतें जो हैं उनमें पीनस एनवी आ जाता है और उससे जो है एक पावर का एक रिलेशन होता है, ठीक है ना, एक ये उनके फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट है। उसको जो है कन्वर्ट करके एक साइको एनालिटिक जो फेमिनिस्ट है उन्होंने वूम एनवी का कॉन्सेप्ट बना दिया, ठीक है, और उसी को आगे लेके कि नहीं ये जो है बेसिकली कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, वूम एनवी का कॉन्सेप्ट है कि मर्दों के अंदर ये जेलसी होती है कि हम बर्थ नहीं दे सकते, और चूंकि मर्द को ये लगता है कि मैं बर्थ नहीं दे सकता तो उसके अंदर एक हमेशा एक अर्ज रहती है, एक कॉम्पिटिशन रहता है, एक कुछ डिससेटिस्फाइड वो होता है, उसकी वजह से वो हमेशा सक्सेस की तरफ जाता है। अब देखें ये क्या है, ये देखिए करेन हॉर्न ने काउंटर्ड फ्रॉइड्स कॉन्सेप्ट ऑफ पीनस एनवी विद व्हाट शी कॉल्ड वूम एनवी और मैन्स एनवी ऑफ वुमेन्स एबिलिटी टू बेयर चिल्ड्रन। शी आर्ग्यूड दैट मेन कंपेंसेट फॉर दिस इनएबिलिटी बाय स्ट्राइविंग फॉर अचीवमेंट एंड सक्सेस इन अदर रियल। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया, लेकिन सारी आपकी एक साइको जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है लिंक टू योर सबकॉन्शियस, लिंक टू योर साइकी जो आप बचपन से फील करें उसके ऊपर बिल्ड करके ये इन्होंने डिफरेंट थीरीज बनाई हुई, और फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट को लेके ये आगे चले, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे हैं जो बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म को जो है वो रिजेक्ट भी करते हैं, इवन दो ये इनकंसिस्टेंट है। या तो आप ये स्टांस लेंगे कि मैं बायोलॉजिकली बायोलॉजी डिटर्मिन करती है, या आप कहेंगे कि नहीं करती, लेकिन कई लोग कहते हैं कि बायोलॉजी डिटरमिन नहीं करती। ऑल्दो फ्रॉइड के पर्सपेक्टिव से अगर आप आए तो उसमें बायोलॉजी जो है वो इंपॉर्टेंट होगी। अच्छा, फिर इसमें एक और एनालिसिस जो है जो नजर आता है कईयों का देख के जो मुझे मिला वो है कि द फैलस एंड द पेट्रियार्की, ठीक है, कि जो फैलस है जो मेल ऑर्गन है इट हैज बिकम अ सिंबल ऑफ पेट्रियार्कल पावर, और उसको इसी तरह पे जो है लैंग्वेज में और डिफरेंट उसकी जो फॉर्म्स है वो हमें नजर आती है, ठीक है। तो पेट्रियार्की के साथ उसके एक पावर का लिंक है और वो मेल जो है ना उसके साथ आपको लिंक नजर आ रहा है। लेकिन मतलब मेन पॉइंट ये है क्योंकि फ्रॉइड की थ्योरी वॉज ओवरली सेक्सुअल, उसके अंदर बहुत ज्यादा आपको इस तरह की जो है कॉनोटेशंस मिलती हैं, तो ये जो साइकोएनालिटिक भी है ना इसके अंदर भी वही सब लेके उन्होंने पूरी थ्योरी भी डेवलप कर दी है, ठीक है। फिर और कौन सा है, लैंग्वेज ऑफ पेट्रियार्की का है वो हमने जो है वो देख लिया कि जो लैंग्वेज है उसके साथ पेट्रियार्की कैसे लिंक्ड है। और भी ये है कि इसको बस आपने इस पर्सपेक्टिव से करें, इसके दो चार आइडियाज आप याद कर लें और कोई बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इस पर पूरा कोई सवाल नहीं आएगा, बस कोई टाइप ऑफ फेमिनिज्म या इस तरह से कोई चीज आ जाएगी तो वो आप उसके दो चार मेन आइडियाज कर लें। स्क्रक्स में आपको बता देता हूँ कि बेसिक आप फ्रॉइड के आइडियाज को देखें और फ्रॉइड के आइडियाज को कन्वर्ट करके उससे कोई ना कोई फेमिनिज्म के आइडिया जिसमें कोई ना कोई साइकोलॉजी का, ह्यूमन साइकोलॉजी की डेवलपमेंट का, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट का, सबकॉन्शियस का कोई रोल है, तो उसके ऊपर बेस करके जो थ्योरी है वो जो है साइको एनालिटिक थ्योरी है। इसमें डिफरेंट टेक्स्ट हमें नजर आते हैं, ये उनकी लिस्ट है, ये नैन्सी चौधरी का जो है वो रिप्रोडक्शन ऑफ मदरिंग है, और ये डिफरेंट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसका नाम याद कर लें, ठीक है, और ये बाकी भी हैं, ये आप नाम लिख सकते हैं अगर आपको उनके काम की वो चाहिए, ठीक है। लेकिन सारे ये इसी किस्म के थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो ये साइको एनालिटिक फेमिनिज्म है जो कि एक साइको एनालिटिकल अप्रोच से फेमिनिज्म को देखता है, ठीक है जी। ये हमने अभी देख लिए हैं टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म, किस किस किस्म के फेमिनिज्म जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें हमने देखा लिबरल है, रेडिकल है,
और उसके अंदर साइको एनालिटिकल है, सोशलिस्ट है, ठीक है। अच्छा ये रिवाइज कर लेते हैं ताकि फिर 2 मिनट आगे हम चलेंगे। अच्छा अब आप मुझे बताएं कि आपको लिबरल फेमिनिज्म समझ आ गया है, रेडिकल, साइकोएनालिटिक और जो मार्क्सिस्ट है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी आपको क्रैमिंग भी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, पूरी क्रैमिंग भी ना करें, पूरा जो है वो समझने की भी जरूरत नहीं है। जी मैं लिबरल रिपीट कर देता हूं। देखिए लिबरल जो है ना वो सबसे बुनियादी है इस सेंस में कि लिबरल बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात करता है, पॉलिटिकल राइट्स की बात करता है, एक्सट्रीम नहीं है लिबरल, वो लिबरल फ्रेमवर्क में रह के जो है वुमेन राइट्स की बात करता है, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी, जॉब्स। सो साइको एनालिसिस इज पॉपुलर टू लेफ्टिस्ट एकेडेमिक्स एंड फेमिनिस्ट। लेफ्टिस्ट तो बहुत ब्रॉड जनरलाइजेशन है, ठीक है, ये थोड़ी कुछ साइकोलॉजिकल वाले या आप कह सकते हैं कि बायोलॉजी या उस पर्सपेक्टिव से जिनको इंटरेस्ट होगा वो कर सकते हैं इसमें, लेकिन लेफ्ट तो सारे ही है ये, टू बी ऑनेस्ट पूरी फेमिनिस्ट जो थीरी है वो लेफ्ट ही है, राइट तो वो है ही नहीं। अच्छा लिबरल फेमिनिज्म जनरल जो आपका वक्त जो निज़ाम चल रहा होता है उसके कंस्ट्रेंट्स में रह के वो बात करते हैं और वो पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक राइट्स की बात करते हैं, पूरा निज़ाम भरम भरम करने की बात नहीं करते। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, विच इज फेमिनिज्म इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स या इसकी डेवलपमेंट, इसकी डिमांड, इस पे काम, ये किस तरह से इसका जो है एवोल्यूशन हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि पाकिस्तान में फेमिनिज्म जो है वो किस तरह से इवॉल्व हुआ है। देखिए पाकिस्तान में जो फेमिनिज्म है उसको हम हिस्टोरिकली पूरा देख लेते हैं, फिर आपके जहन में सारी चीजें होंगी उसको आप लिख सकते हैं, एक एक को देख लेते हैं। इंडिपेंडेंस मूवमेंट में औरतों का रोल आप देखें, उसमें फातिमा जिन्ना का रोल नजर आता है, ये भी एक फेमिनिज्म की मैनिफेस्टेशन है, वुमेन पोलिटिकल लीडर है, मदर ऑफ द नेशन उनको टाइटल दिया गया। फिर राणा लियाकत अली खान है, ये जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनकी जो वाइफ थी, इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी। आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम देखें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है रिफ्यूजी क्राइसिस में औरतों ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, अपुआ बनी ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन, ये राणा लियाकत अली खान ने, और ये रिफ्यूजी क्राइसिस में जो है उसको बेहतर करने के लिए बनाया गया था 1949 में, उसको हेल्प करने के लिए, लेकिन ज्यादा औरतों का एक प्लेटफॉर्म है आज भी एग्जिस्ट करता है। तो ये हमें मैनिफेस्टेशन नजर आ रही है कि औरतें कुछ कर रही हैं, औरतों के लिए कुछ कर रही हैं, ठीक है। फिर अगला एरा जो है वो हमें नजर आता है अयूब खान साहब का, और अयूब एरा में कुछ बेहतर हुई चीजें जैसे कि मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है, ये जो मैं पाकिस्तान वाली चीजें आपको बता रहा हूँ प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, ये जरूर कॉपी कर लें क्योंकि यही चीजें आपने कहीं ना कहीं ऐड करते जाना है अपने आर्गुमेंट्स में कि अयूब साहब के टाइम पे ये था या ये लॉ है या ये नहीं है, क्योंकि जीरो से आप रिसर्च करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। अयूब खान साहब के टाइम पे मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है, ये बड़ा एक प्रोग्रेसिव लॉ था और इसने जो है औरतों को हकूक दिए, औरतों को प्रोटेक्शन दी, दूसरी मैरिज नहीं आप कर सकते थे विदाउट जो है फर्स्ट वाइफ की कंसेंट के, ये एक चीज है, ठीक है। इसमें मर्द जो है अगर वो शादी करेगा वो निकाह करेगा, तो इस तरह औरतों के कई जो है वो बेहतर तरीके के लॉज इसमें आए, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस MFLO 1961 ये भी इसे कहा जाता है, तो ये बेहतर है, इनके टाइम पे हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो। फिर इसकी एक मैनिफेस्टेशन, ये मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, इनकी यूजेज फिर आपने अपने क्वेश्चन के हिसाब से करनी। फातिमा जना है इस टाइम पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन्होंने लड़ा, तो वो भी हमें एक अच्छी एग्जाम्पल नजर आती है एज अ वुमेन लीडर, उन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा लेकिन वो जो है वो हार गई अयूब साहब के अगेंस्ट। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो हैं, उनके टाइम पे हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बनता है, उसमें औरतों को जो है रिजर्व सीट्स दी जाती हैं नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में, तो ये एक अच्छा साइन है, हम देख सकते हैं औरतों के हकूक की तरफ। फिर उनकी वाइफ नुसरत भुट्टो जो हैं वो काफी उनका एक प्रोमिनेंट रोल है औरतों के हकूक को जो है वो करने के लिए, ठीक है।
और ये जो जो यूएन के कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, 1975 की, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, नुसरत भुट्टो ने। तो इनका भी नाम आप कोट कर सकते हैं, आपके पास एग्जाम्पल है। इस टाइम पे ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद जो आता है प्रेजिडेंट जिया का एरा, इसमें थोड़ा सा जो है वो एक हमें नजर आता है कि औरतों को थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि टफ टाइम दिया जाएगा, उसका पूरा रिएक्शन आएगा। यहाँ पे एक आइडियोलॉजी आएगी चादर और चार दीवारी की, और ये एक इस तरह की आइडियोलॉजी आएगी। हो सकता है आप में से कई लोग एग्री करते हो सकता है ना करते हो, लेकिन मैं आपको बस जेंडर के परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ। बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल होने की जरूरत नहीं है, बस आप उसको थोड़ा सा सही तरीके से मैनेज करके जो है वो कर लें, ठीक है। इस टाइम पे हदूद ऑर्डिनेंस आते हैं, और हदूद ऑर्डिनेंस जो है 1979 में आएगा, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा, और कई इस पे आपने देखे हैं लोग क्रिटिसिजम्स भी करते हैं, और काफी उसमें वो होगा क्योंकि इसके अंदर ये एक चीज होगी कि अगर आपका रेप हुआ है तो आपको जो है 4 विटनेसेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इस किस्म का जो है वो एक उसमें लॉज होंगे जो कि थोड़ा सा काफी आप कह सकते हैं कि मुश्किल था इस तरह से प्रूफ करना। फिर इसी टाइम पे हम देखते हैं केस है सफिया बीबी। अच्छा, केस स्टडीज प्लीज याद रखें, आप कोट कर सकते हैं डिफरेंट जगहों पे। केस स्टडी है सफिया बीबी की, और वो 13 साल की बच्ची थी, उनका रेप हुआ, और उसके बाद जो है शी वॉज अनएबल टू प्रूव रेप। बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म का जो है वो हुआ एक केस, ठीक है। ये 1983 का केस है, काफी मेजर केस था, आसमा जहांगीर ने लड़ा, ये प्लीज लिख लें, ये उसकी एक एग्जाम्पल है। उसके बाद विमेन्स एक्शन फोरम बनता है। विमेन्स एक्शन फोरम जो है WEF, ये आज भी एग्जिस्ट करता है, और ये फेमिनिज्म आप कह सकते हैं कि इसी टाइम पे पाकिस्तान में इसकी वेव आई है। तो पाकिस्तान की वेव ऑफ फेमिनिज्म इसी टाइम पे है, 80s में और 70s में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये वुमेन एक्शन फोरम बनता है WEF के नाम से, और वो औरतों के राइट्स के लड़ता है। आपने कई दफा तस्वीरें देखी होंगी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये वो वुमेन एक्शन फोरम वाले हैं जो वो कर रहे होते हैं। इस टाइम की तस्वीरें आपने पुरानी देखी होंगी। तो उसमें ये था कि वो हदूद ऑर्डिनेंस के रिएक्शन में बनता है, औरतों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनता है, ठीक है। फिर इस टाइम पे आता है ये कानून शहादत। कानून शहादत 1984 है कि औरतों का जो एविडेंस है वो एज हाफ लिया जाएगा। मुझे इसके एक्चुअल लीगल जो है ना वो नहीं पता एप्लीकेशन, क्योंकि मैं लॉयर नहीं हूँ कि ये एक्चुअली ऐसे होता है या किस तरह होता है, आई हैव नो आइडिया। लेकिन जो मुझे मिला रिसर्च से वो मैंने डाल दी है कि मुझे एक्चुअली इसकी प्रैक्टिकलिटी मुझे नहीं पता किस तरह से होता है, लेकिन आप ये लिख लें कानून शहादत आता है 1984 का, ठीक है, ये देख लें। फिर ये किसास दियत लॉ है, इसमें विमेन कंपेंसेशन टू बिहाफ ऑफ विमेन, तो इस तरह के कुछ लॉज आते हैं। फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान 1987 में बनता है, आसमा जहांगीर जो है बनती है। तो ये हमें एक ओवरऑल यहाँ पे सर्ज ऑफ फेमिनिज्म पाकिस्तान में नजर आ रही है इस एरा में, ठीक है, औरतों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और आसमा जहांगीर उसको को फाउंड करेंगी, तो वो भी एक फेमिनिस्ट हैं जिनका नाम आपने याद। फिर अगला एरा हम देखते हैं जो कि बेनजीर भुट्टो है, पाकिस्तान की पहली ये विमेन ये प्रेसिडेंट थी, तो बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। जाहिर है जैसे अमेरिका में आप देखते हैं ब्लैक्स के ओबामा पहले थे प्रेसिडेंट, तो वो एक बड़ी चीज थी। इसी तरह पाकिस्तान में भी अगर पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर है, आइंदा भी होनी चाहिए, तो वो एक बहुत बड़ी चीज थी। इन्होंने वुमेन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट इस्टेब्लिश की 1989 में। उसके बाद हमने देखा था वो सेंटर फॉर एक्सेलेंस थे फॉर वुमेन स्टडीज, वो बने। फर्स्ट वुमेन बैंक बना 1989 में, यूनिवर्सिटीज में सेंटर्स बने। तो एक अच्छा हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव स्टेप्स जो हैं इस टाइम पे आए। फिर पाकिस्तान जो है सी डॉग को रेटिफाई करेगा 1996 में। सी डॉग क्या चीज है? कन्वेंशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, यूनाइटेड नेशंस की स्पॉन्सर्ड ट्रीटी है, जो कि अगर आप साइन करते हैं तो फिर आपको वो चीजें पूरी भी करने की कोशिश करनी होती है कि औरतें जो हैं उनको हकूक मिले, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो पाकिस्तान ने वो रेटिफाई की। फिर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का एरा आता है, और इसमें हम नेशनल एक्शन प्लान बनाते हैं 1998 का, जिसमें हम ये बात करते हैं कि औरतों के हकूक को प्रोटेक्ट किया जाएगा, और इस पे जो है एज अ सब्जेक्ट भी इसको प्रमोट किया जाएगा। फिर आता है प्रेजिडेंट मुशर्रफ का टाइम, ये प्रोग्रेसिव था इन टर्म्स ऑफ विमेन, और इसमें नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन बनाया जाता है 2000 में। और इसमें ये बड़ा एक अच्छा इदारा है जो डिफरेंट लेजिस्लेशंस डिफरेंट किस्म के उस पर एडवाइस करता है, ठीक है, पिछला जो पाकिस्तान की कमिटमेंट्स हैं उनको मद्देनजर रखता है, नई लेजिस्लेशंस प्रोवाइड करता है, और इसी की सारी जदोजहद से
और उसके बाद फिर आता है विमेन प्रोटेक्शन बिल 2006। विमेन प्रोटेक्शन बिल जो है फाइनली हदूद ऑर्डिनेंस को डाइल्यूट कर देता है, उसकी जो कुछ इस किस्म की चीजें थी जो कि प्रॉब्लमेटिक थी उसको फाइनली जो है खत्म कर देता है, और जो थोड़ी सी सिवियर किस्म की पनिशमेंट्स थी उनको भी जो है ये खत्म कर देता है, ठीक है। और डीएनए और फोरेंसिक एविडेंसेस और इस किस्म की चीजें जो है वो आती है। ये बिल्स आपने बहुत जरूरी है याद करने हैं जेंडर स्टडीज में, उनको कोट करना है। ये कुछ ही तो चीजें हैं पाकिस्तान की, वो मैं आपको ये बता रहा हूँ सारी, वो आपने याद करनी है। जितने बिल्स हैं औरतों से रिलेटेड, जितनी ये इदारे हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, उनके नाम भी याद करने हैं ये, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। फिर बहुत नंबर आते हैं, मतलब मैंने भी ऐड की थी चीजें जहां मैं कर सकता था, जितनी कुछ सेंस बनती थी, तो ये जरूर आप ऐड करें ये कि विमेन प्रोटेक्शन बिल ने ये किया, अफगान ने ये किया। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके टाइम पे विमेन कोटास भी इंट्रोड्यूस हुए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पे, सिविल सर्विसेज में, ठीक है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप है जो हमें नजर आता है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है 2008 से 2013, इसमें कई लॉज आए हैं, ठीक है। ये प्लीज ये लॉज की लिस्ट है, इसमें देखें। एक तो ये वर्कप्लेस एक्ट है, ये आपने देखा होगा पिछले दिनों जो पूरा एक केस भी बना हुआ था, ये है वो, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट है, ये औरतों को वर्कप्लेस हरासमेंट पे जो है वो उससे प्रोटेक्ट करता है, और इसके अंदर कई कैटेगरीज होती हैं हरासमेंट की, वो थोड़ा अगर टाइम हुआ तो पढ़िएगा। डिफरेंट तरीके के हरासमेंट होती हैं, आप फोर्स करें उसको जो कुछ करने पे जो नहीं करना चाहते, किसी तरीके से उसको तंग करें, ठीक है, वो सारी डिफरेंट उसमें डेफिनेशंस आ जाती हैं। तो वर्कप्लेस हरासमेंट पे ये एक आता है, ठीक है। क्रिमिनल लॉ में कोई चेंज है, फिर ये एक इंपॉर्टेंट है एसेट कंट्रोल एंड एसेट क्राइम एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ विमेन एंटी विमेन प्रैक्टिसेस। ये एंटी एसेट का भी एक एक्ट आया, आई थिंक 2010 से, इसको चेक कर लीजिएगा। एसेट कंट्रोल वाला ये एक एक्ट आता है, ये आता है, ठीक है। तो इस किस्म के जो हैं ये डिफरेंट एक्ट्स आए इनके टाइम पे, ये भी थोड़े से आप याद कर लें। अपने पास एक अलग वर्ड की फाइल बना लें या कोई, उसमें ये डिफरेंट एक्ट्स जो है ना ये आपने ऐड कर लेने हैं कि ये आए हैं, इनका ये मकसद था, ताकि आप उसके ऊपर बात कर सकें। ओके, फिर जो है वो अगली गवर्नमेंट आती है, और इसके अंदर कोई ऐसा कोई अलग से कोई इस तरह से चीज हमें नहीं नजर आती जो गवर्नमेंट थी। उसके बाद जो अभी करंट गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, अच्छा इसमें एक और भी एक्ट है मेरे अभी जहन में आया है, 2016 में आया था, वो भी लिख लें, जो कि ऑनलाइन क्राइम से रिलेटेड है, 2016 वाला साइबर क्राइम का जो एक्ट है ना पाकिस्तान का, वो भी करें। उसमें जो है ऑनलाइन पोर्नोग्राफी और इस किस्म की चीजें भी, अगर औरत को कोई ऑनलाइन पर्सोनेट कर रहा है, हरास कर रहा है, वो वाली सारी चीजें उसमें भी आ जाती हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है या इस तरह उसका कोई नाम है 2016 का, तो वो भी आप ऐड करें, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है पाकिस्तान में, अपवा है, विमेन एक्शन फोरम है, औरत फाउंडेशन है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन है। ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि औरतों के लिए जो है वो काम करते हैं। फेमस कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन से हैं, राणा लियाकत अली खान है, ठीक है। उसमें बाकी आई थिंक कुछ स्लाइड मिसिंग है, कुछ बाकियों के नाम मैंने आपको बताए हैं, जो आसमा जहांगीर और वो सारे हैं। फिर जहां आ रहा शाहनवाज और शाइस्ता करामुल्ला, इनका नाम जनरली आता है क्योंकि ये पाकिस्तान की जो फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें ये मेंबर्स थी, इनका नाम जहन में रखिएगा, जहां आला शाहनवाज और शाइस्ता इकरामुल्ला। फिर ये आप थोड़ा लिटरेचर देख सकते हैं, फेमिनिस्ट वो ऐड कर सकते हैं पाकिस्तान, फहमीदा रियाज, प्रवीण शाकिर, हाजरा मसरूर, अदा जाफरी, इशरत आफरीन, बेगम अख्तर रियाजुद्दीन। मैंने फहमीदा रियाज की जो है एक दो कुछ शेर भी कुछ याद किए थे, पोइट्री चादर और चारदीवारी, इस तरह से इनकी कोई पोइम थी जो मुझे याद पड़ता है। इस तरह की कोई अच्छी रेलेवेंट दो तीन फेमिनिस्ट उर्दू की पोइम्स या वो भी आप याद कर सकते हैं, बड़ी अच्छी जो है वो इनकी वो थी लाइन फहमीदा रियाज की, देखिएगा चादर चारदीवारी, इस तरह की उसमें इस तरह की लाइन थी कि ये चादर तो बन चुकी है तुम्हारी पता नहीं मजबूरी, इस तरह से कुछ करके है, बड़ा अच्छे उसमें कॉन्सेप्ट है। इस तरह के दो दो उसके कोई आप फिक्रे याद करके पोइट्री को उर्दू में भी लिख देंगे तो बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट आएगा, ना कि सिर्फ इंग्लिश स्कॉलर्स को, आप एक दो उर्दू के स्कॉलर्स को भी ऐड करके पाकिस्तान की सोसाइटी को जो क्रिटिसाइज करें तो वो जरूर ऐड करें, ठीक है जी। समझ आ गया आपको जी, क्लियर है आपको पाकिस्तान का फेमिनिज्म? ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये प्लीज एडवाइस भी साथ मानिएगा, आप लोग
एक्ट्स को लिख लें, जोन जोन से एक्ट्स हैं काफी, दो चार तो मैंने बता दिया आपको, बीच में एक तो एक्ट्स लिख लें। जी जी उर्दू में लिख दें कोई बात नहीं, उर्दू में पोएट्री लिख दें, बल्कि रेलेवेंट होना चाहिए, रेलेवेंट हो, बिल्कुल टू द पॉइंट फेमिनिस्ट हो। जी जी लिख दें, मैंने तो लिख दिया था, बाकी देख लें आपकी मर्जी, मैं तो वो बता रहा हूँ जो मैंने लिखा है। पाक अफेयर में भी नहीं, उन सब में रहने दें। देखें हर सब्जेक्ट की ना अपनी एक नेचर होती है, ये रिटोरिकल सा सब्जेक्ट है। रिटोरिकल सब्जेक्ट वो होता है जिसमें आर्गुमेंट मैटर करता है, इन द सेंस बात बराए बात, आर्गुमेंट बराए आर्गुमेंट, इसमें चल जाता है। एक हर सब्जेक्ट की एक अपनी नेचर होती है ना, मैं किसी में रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं कहूंगा बस जेंडर स्टडीज में आप कर दें तो ठीक है, चल जाएगा। मे भी कहीं सोशियोलॉजी में बहुत एक्सट्रीम एक केस है, सही है, वो आपकी कॉमन सेंस ही आपको बताएगी। ये ना हो ना कि आप पूरे के पूरे इकबाल की चीजें लिख के आए हुए हों, तो की ना बनती हो। मैं इसलिए आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने किया है, इस तरह आप कर सकते हैं। ये मैंने प्रिपेयर भी की हुई थी कि मैं इसकी इनकी कहीं ना कहीं लिख के आ जाऊंगा, कंक्लूजन में लिख दूंगा या इस तरह से कहीं आगे पीछे। ये चीजें आप पहले से हल्के फुल्के एक दो चीजें याद कर लें, ठीक है, ठीक हो गया, समझ आ गई। बहुत एक रेयर एक कदे किसी ओकेजन पर डाल दें, एक्सट्रीम नहीं करना किसी चीज को। अच्छा फिर है, अब आते हैं हम फेमिनिस्ट मूवमेंट्स पे। अच्छा अभी हमने देखी डिफरेंट किस्म की फेमिनिज्म जो है वो आइडियाज के कौन कौन सी टाइप्स ऑफ थीरीज ऑफ फेमिनिज्म है। अब हम उसको प्योरली हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, प्योरली, और वेव्स ऑफ फेमिनिज्म के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव। ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका है पूरी चीज को देखने का। और इस तरह होगा क्या कि आपके जहन में पूरी की पूरी एक हिस्ट्री डेवलप हो जाएगी, और जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा है वो बड़ा सही कंसोलिडेट हो जाएगा। इनफैक्ट ये शायद मुझे पहले पढ़ा देना चाहिए था ताकि आपके जहन में और बेहतर तरीके से आ जाता, लेकिन कोई नहीं, बाद में भी पढ़ लेंगे तो इक्वली इफेक्टिव होगा। सबसे पहले है वेव ऑफ फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। वेव से मुराद क्या है? वेव से मुराद ये है कि एक फेमिनिस्ट फीलिंग की पीक आए कि औरतों को अपने हकों के लिए लड़ना चाहिए, फिर वो कम हो गया, फिर वो पीक आई कि औरतों को अपने हकों के लिए लड़ना चाहिए, फिर वो हुआ, और फिर वो पीक आई कि औरतों को अपने हकों के लिए लड़ना चाहिए या फेमिनिस्ट उस पर काम होगा। तो ये वेव्स हैं, जब वो चीज अपने अरूज पे पहुंचती है कि हमें ये करना चाहिए। ये एक हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से वेव है। एक इस तरह से आप देखिए, हिस्ट्री अगर मूव करिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो उसमें ये फर्स्ट होगी वेव, ये सेकंड वेव होगी, जब औरतों के हकूक की अवेयरनेस की अवेयरनेस और एफर्ट जो है वो अपने पीक पे पहुंचेगी, वो वेव है। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म क्या चीज है कि जब पहली दफा इस तरह से पूरी एफर्ट हुई। अब हम थोड़ा सा ऐसे समझें कि हमने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, बिल्कुल अपने आप को ब्लैंक करके जीरो से चलें, फिर आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। देखिए अब हम फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म देख रहे हैं, और हम ये देखते हैं कि थ्रू आउट हिस्ट्री औरतों ने सब्जुकेशन ही फील किया, ठीक है, जब से कायनात बनी है तब से औरत सब्जुकेटेड ही है हर इस तरह के रोल में, ठीक है। आप एंशियंट सिविलाइजेशन देख लें, आप जो है मिडिवल देख लें, मॉडर्न सोसाइटी देख लें, या सबॉर्डिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, ऑपरेशन है इनके खिलाफ, ठीक है। और आप ये देखें कि क्या एज ओल्ड व्यू है, विमेन आर बाय नेचर वीक एंड इरेशनल, ठीक है, विमेन दस आर इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन एंड गाइडेंस। एरिस्टोटल ने क्या कहा था, द रिलेशन ऑफ मेल टू फीमेल इज बाय नेचर अ रिलेशन ऑफ सुपीरियर टू इंफीरियर एंड ऑफ रूलर करें तो आप आम माशरे का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या होगा। एक मिनट, ये गलत हो गया, ठीक है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम माशरों का क्या हाल होगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म कैसे डेवलप हुआ, पहली वेव फेमिनिज्म एज अ फिनोमिना ही कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटो फेमिनिज्म। प्रोटो होता है किसी चीज के एक्चुअल होने से पहले उसकी कोई मैनिफेस्टेशन। उसमें हमें नजर आती हैं ओलंपिया डे गोज, और ये क्या है,
1791 में ये एक फ्रेंच जो है राइटर है और ये एक फ्रेंच औरत है, जब वहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन आएगा तब जो है आपने देखा होगा वहां डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड द सिटीजन जो है वो एक डॉक्यूमेंट लिखा गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि ये राइट्स हैं और ये राइट्स जो है इंसान को मिलने चाहिए। देखो वो बड़ा मैन सेंटर्ड था, उसका नाम देखें डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन। क्या आप ह्यूमन राइट्स की तो बात कर रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में, लेकिन आप वो मर्दों के राइट्स की बात करें, औरतें कहाँ हैं उसमें? तो इन्होंने इस रिएक्शन में लिखा था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड ऑफ द फीमेल सिटीजन। तो इस तरह औरतों की जो एक स्ट्रगल है राइट्स की, उसमें आप कह सकते हैं सारे फहरिस्त हैं, ये शुरू में एक आती हैं और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे बाद में इनको मार दिया गया था इन्हीं चीज की वजह से, क्योंकि इनकी राइटिंग्स की वजह से, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि प्योर फेमिनिज्म की वेव से पहले की एक इनकी इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है 1791 में। फिर मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट हैं, ये भी उससे पहले की हैं प्रॉपर फेमिनिज्म की वेव से पहले, फर्स्ट वेव से। ये बेसिकली एक राइटर थी और ये इनकी एक इनका एक वो था डॉक्यूमेंट जो इन्होंने लिखा विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। इसमें इन्होंने आर्ग्यू किया था कि औरतों को जो है वो एजुकेशन देनी चाहिए, बहुत जरूरी है। औरतों को एजुकेशन नहीं मिलती उसकी वजह से जो है वो औरतें बेचारी जो है वो एक सबजुकेटेड पोजिशन में आती है। तो ये बहुत ही पहले की बात है, आप देखें 1792 है, दैट्स रियली मतलब बहुत ही पहला है ये तो अभी मॉडर्न दुनिया से। तो ये वो शुरू की राइटर्स हैं जिनके काम में हमें फेमिनिज्म के कोई आइडियाज नजर आते हैं, ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा था, शी आर्ग्यूज दैट वुमेन ऑट टू हैव एन एजुकेशन कमेंसुरेट विद देयर पोजीशन इन सोसाइटी, क्लेमिंग दैट वुमेन आर एसेंशियल टू द नेशन बिकॉज दे एजुकेट इट्स चिल्ड्रन एंड बिकॉज दे कुड बी चैंपियंस टू देयर हस्बैंड्स रादर देन मेयर वाइव्स। तो इन्होंने पहली दफा बात की कि औरतों को एजुकेट करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ व्यूइंग वुमेन एज ऑर्नामेंट्स टू सोसाइटी और property to be traded in marriage, Wollstonecraft maintains that they are human beings deserving of the same fundamental rights in women. तो ये बहुत शुरू में हम कह सकते हैं early feminists इनको कह सकते हैं। ये हम एक development देख रहे हैं historical feminism की। फिर इसमें अब हम आते हैं first wave की actual development पे। First wave generally कहाँ से लिया जाता है? First wave लिया जाता है Seneca Falls Convention 1848, ठीक है। Seneca Falls Convention क्या है कि एक इसको प्रॉपर फर्स्ट वेव यहां से स्टार्ट होती है 1848 से। इसमें डिफरेंट जो औरतों के राइट्स के लिए लड़ने वाली थी, जो डिफरेंट अवेयरनेस रखती थी, वो सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हुए न्यूयॉर्क में Seneca Falls में। ये औरतों का पहला बड़ा जो है वो कन्वेंशन था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये Seneca Falls Convention। एलिजाबेथ कैंडी स्टैंटन है, ठीक है, एलिजाबेथ कैंडी स्टैंटन और ये सारी औरतें मिली हैं, आप देख सकते हैं। इन्होंने बेसिकली एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड सेंटिमेंट्स और ये सारी औरतों ने इसमें साइन किया और रिलीज किया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड सेंटिमेंट्स और उसमें बताया कि बेसिकली जो है वो औरतें क्या फील करती हैं और उनके क्या राइट्स होने चाहिए। और यहाँ से बेसिकली जो है वो मूवमेंट भी स्टार्ट होती है कि औरतों को राइट्स मिलने चाहिए, औरतों को वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। तो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म में हमें नजर आता है कि मोस्टली औरतों की पॉलिटिकल राइट्स की बात हो रही है, इकोनॉमिक राइट्स की बात हो रही है। फिर जॉन स्टुअर्ट मिल हैं 1869 में, ये इंग्लैंड में है, ब्रिटेन में, तो ये भी बड़े एक फेमिनिस्ट थे, इन्होंने भी औरतों के उस पर बड़ा काम किया। इनका एक डॉक्यूमेंट है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ये ऐसे इन्होंने लिखा। इसमें उन्होंने बात की कि औरतें जो हैं वो सब्जुकेटेड होती हैं, इनको भी ऐड करते हैं इसमें कि ये भी इस टाइम पे एक थे। अच्छा, फिर फर्स्ट वेव में जो मेजर बेसिक सारी चीज थी दैट इज वुमेन्स सफरेज मूवमेंट, कि औरतों के वोट्स के लिए जो है वो करना है, उसके लिए एसोसिएशंस बनी, अमेरिकन वुमेन्स सफरेज एसोसिएशन। सफरेज मूवमेंट क्या है? राइट टू वोट। तो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म का टोटल एजेंडा जो था वो वोटिंग था, कि औरतों को राइट टू वोट देते हैं, कि आधी पॉपुलेशन आपकी वोट ही नहीं दे सकती, ठीक है, तो वो आप करें। और एक एसोसिएशन नेशनल अमेरिकन वुमेन सफरेज एसोसिएशन है, ये भी बनी 1890 में। इसने भी आर्ग्यू किया कि औरतों को जो है वो राइट टू वोट मिलना चाहिए। तो ये बेसिकली फर्स्ट वेव के अंदर होता है। फाइनली क्या होता है, 19th अमेंडमेंट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आएगी और औरतों को बिल्कुल जो है राइट टू वोट दिया जाएगा। 19th अमेंडमेंट 1920 में आएगी, ये भूलिएगा नहीं, ये पूछ लिया जाता है सफरेज मूवमेंट क्या थी।
सफ्रेज मूवमेंट से क्या अचीव हुआ, छोटा मोटा कोई क्वेश्चन आ सकता है। 1920 में ये आई 19th अमेंडमेंट उनके आइन में, और फाइनली औरतों को राइट टू वोट दिया गया और ये फर्स्ट वेव यहाँ पे खत्म हो गई। और फर्स्ट वेव में हमें और भी चीजें नजर आती हैं जो थ्रू आउट द वर्ल्ड औरतों ने कुछ ना कुछ अचीव किया, और इसमें आप लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, जिस शक्ति इंडिया में बैन की गई, अगर देखें कैसे आर्गुमेंट कनेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चाइना में एक ट्रेंड था फुट बाइंडिंग का, औरतों के वो एस्थेटिकली उनको बेहतर लगता था, बहुत ही कोई खौफनाक किस्म की प्रैक्टिस थी ये भी, जितना सती थी उसी छोटे उससे बच्चियों को फिक्स किस्म के जूतों में पाँव डाला था, पूरी हड्डियां उसमें बैंड हो जाती थी कि बस ये इतना छोटा पाँव होना चाहिए, बहुत ही अजीब। तो वो फुट बाइंडिंग जो है वो बैन हुई, फिर यूनिवर्सिटीज औरतों के लिए खुली और औरतों को जो है डाइवोर्स भी जो है उसका भी कहीं ना कहीं राइट मिला। तो ये फर्स्ट वेव है, और फर्स्ट वेव को आपने अगर इमेजिन करना है तो वो बस वोटिंग से रिलेटेड है, और वो उन्होंने अचीव कर दी जब राइट टू वोट उनको मिल गया। एक इसका एनालिसिस ये देखें कि व्हाट वर द फैक्टर्स लीडिंग टू फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, वो क्या जो है डिफरेंट फैक्टर्स थे हम मतलब बना सकते हैं, जो कि अगर आ जाए कि व्हाट वर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस फर्स्ट वेव, उस पर्सपेक्टिव से है। एक तो आप ये कह सकते हैं ये जो कल्ट ऑफ वुमनहुड था, वुमनहुड का कल्ट इन द सेंस कि जो आइडिया ऑफ वुमनहुड है कि औरत को ये करना चाहिए, औरत को ये नहीं करना चाहिए, औरत ऐसे है फलाना है, उसको बेसिकली उसके खिलाफ जो है वो एक रिएक्शन आया। फिर जो लिबरल फिलॉसफी थी, जो एनलाइटनमेंट फिलॉसफी थी, उसी आइडियाज को उन्होंने आगे एक्सटेंड करके औरतों पर ले आए, ठीक है। फिर हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन हुई, औरतों का रोल सोसाइटी में वैसे बहुत बदल गया, फैक्ट्रीज में काम करी है, नई पूरे सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर था फर्स्ट फेज फेमिनिज्म में। ओवरऑल सोसाइटी वैसी बड़ी ऑल्टर हो गई है ना चाहते हुए भी। फिर डेमोक्रेसी और इस किस्म की इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन के आइडियाज वेस्ट में बड़े पॉपुलर होते जा रहे हैं, और इसने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। डेमोक्रेसी बढ़ी, डेमोक्रेसी से इंडिविजुअल राइट्स बढ़े, इंडिविजुअल राइट्स बढ़ने से जो है वो औरतों के भी राइट्स इंपॉर्टेंट हो गए, और ओवरऑल मैसिव सोशल स्ट्रक्चर्स जो हैं वेस्ट के वो भी इतने चेंज होना शुरू हो गए कि औरतों की जो है वो एक नई पोजीशन बनी। मॉडर्नाइजेशन ने वैसे पूरा निजाम चेंज कर दिया, ठीक है। और जो नए पॉलिटिकल राइट्स एनलाइटनमेंट फिलॉसफी के बाद मर्दों ने हासिल कर लिए थे कि मर्द जो है उनके पास राइट टू वोट है, उनके पास डिफरेंट चीजें हैं, वो औरतों को भी चाहिए थे क्योंकि औरतों को उनसे एक्सक्लूड रखा जा रहा है, ठीक है। यूएस में जब 1900s में एबॉलिश करने की मूवमेंट आएगी स्लेवरी को, कि स्लेवरी को खत्म करें, तो ये दोनों सप्रेस्ड किस्म की जो क्लासेस हैं, एक तो औरतें और दूसरे जो स्लेव्स हैं, इनका भी आपको गठजोड़ नजर आएगा कि ये दोनों सप्रेस्ड हैं, ये आपस में जो है उसमें काम करेंगे। फिर यूएस के ही कॉन्टेक्स्ट में प्रोग्रेसिव मूवमेंट का भी बड़ा इम्पैक्ट है। प्रोग्रेसिव मूवमेंट यूएस में क्या थी कि औरतों और ओवरऑल एक माशरे के अंदर सोशल जो है रिफॉर्म लाना है, तो उसका भी एक इन्फ्लुएंस हमें नजर आता है। अच्छा, इसमें देख लें ये सारे उनके नाम हैं, मेजर प्रोपोनेंट्स हैं। राइट टू वोट की देख लें, सबसे पहले न्यूजीलैंड में आया 1893 में, औरतों को दिया गया। 1918 में यूनाइटेड किंगडम में दिया गया औरतों को, यूनाइटेड स्टेट्स में 1920 में दिया गया। और जब 19th अमेंडमेंट होके राइट टू वोट दे दिया जाएगा तो फर्स्ट वेव जो है वो खत्म हो जाएगी। जी, यहां तक समझ आया आप लोगों को? ठीक है, आजकल तो सर बहुत केसेस हो गए, किस किस्म के केसेस के बाद? हाँ, फुट बाइंडिंग बहुत खौफनाक किस्म की एक चीज थी। सफरेज मूवमेंट, ये ले लें। मंटो 100%,
बच्चों को, हाँ वो जो दौलत शाह की आप वो बात करें जी, वो भी आप कह सकते हैं, लेकिन वो फेमिनिस्ट नहीं, वो कोई और ही पर्सपेक्टिव उसको दे सकते हैं हम। आपने केसेस का नहीं बताया, केसेस में समझा नहीं, कौन से केसेस सर? अपने केसेस का नहीं बताया, कौन से केसेस? मैं फॉलो नहीं कर पा रहा बात। रूज कौन से केसेस? हाँ तो ये आप डाल लें तो कोई इशू नहीं है, आप जरूर डाल लें। अभी हम उस तरह की चीजों पे आए नहीं है ना। नहीं, बस उन देखें केसेस को आपने इस तरह करना है, केसेस को बस आपने नाम उनका याद करें और उसका थोड़ा सा बस याद कर लें, और वो जेंडर बेस्ड वॉयलेंस और उन चीजों में ऐड कर लें। ओके, जेंडर बेस्ड वॉयलेंस और इस किस्म की, इसके अब पूरा एक एम्बिट है जेंडर स्टडीज का, जिसके अंदर GBV और वो चीजें, उनमें उनको डाल लें, सेक्सुअल वॉयलेंस उस सारी कैटेगरी में, लेकिन जरूर ऐड कर लें, वो कोई ऐसी बात नहीं है। नाम याद करें, बेसिक आइडिया याद कर लें, वो बहुत लंबी कहानी नहीं उनकी जरूरत। चलें आगे चलते हैं। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म पे, और सेकेंड वेव फेमिनिज्म जो है वो मतलब उसके बाद की वेव है। अच्छा, सेकेंड वेव फेमिनिज्म जो है अब बाद में हुई, पिछली वेव खत्म हो गई, और राइट टू वोट के बाद खत्म होगी, लेकिन अब हम देखते हैं कि ज्यादा सोशल स्ट्रक्चर्स के ऊपर एक बात होगी, बहुत सटल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है उसके ऊपर बात होगी, ठीक है। सेकेंड वेव फेमिनिज्म इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ न्यू पीरियड ऑफ फेमिनिज्म, कलेक्टिव पॉलिटिकल एक्टिविज्म एंड मिलिटेंसी व्हिच इमर्ज इन द 1960s एंड 1970s, ठीक है। ये 60s और 70s के टाइम पे आएगी, 1960s और 70s में। क्या इसकी टाइमलाइन है? प्रोटेस्ट अगेंस्ट मिस अमेरिका, मिस अमेरिका का कॉम्पिटिशन हो रहा होगा, और उसके अंदर आपने देखा कि जो ये इस तरह के जो ब्यूटी पेजेंट्स वाले कॉम्पिटिशन होते हैं, उसमें औरतों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, तो उसके खिलाफ जो औरतें हैं वो बेसिकली एक प्रोटेस्ट करेंगी, और डिफरेंट किस्म की चीजें हैं जो कि औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करती हैं, ठीक है, जैसे कि हील्स और ये चीजें वो इसके अंदर जो है वो फेंकेंगी, और इसका नाम होगा फ्रीडम ट्रैश कैन, और ये न्यूयॉर्क रेडिकल विमेन ये ग्रुप होगा वो इसको डिमॉन्स्ट्रेट करेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड वेव फेमिनिज्म जो इस टाइम पे होगी, ठीक है। और इस टाइम पे क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। बेटी फ्रीडन एक फेमिनिस्ट थी, वो इसको बनाएंगे। इस टाइम पे आपको काफी हैवी एक्टिविज्म जो है ना वो नजर आता है, और ये टर्म भी जो सेकेंड वेव इस टाइम पे आपको क्वाइन होती भी नजर आएगी। फिर एक इस टाइम पे मूवमेंट भी पूरी स्टार्ट होगी, इक्वल राइट अमेंडमेंट, ईआरए। इक्वल राइट अमेंडमेंट मूवमेंट क्या है? कि एक ऐसी अमेंडमेंट पास हो जो कि बेसिकली औरतों को मर्दों को इक्वल राइट्स दे दे, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे अमेंडमेंट पास हो जाए। अच्छा देखिए, सेकेंड वेव फेमिनिज्म जो है 1960s में, 1970s में बहुत एक वेव आएगी फेमिनिज्म की, और सेकेंड वेव फेमिनिज्म में ही ये रेडिकल फेमिनिज्म जो है उसको एक पिक्चर उसकी सामने आएगी। ये जितनी हमने डिफरेंट थीरीज पढ़ी हैं, सेक्स जेंडर डिवाइड और वो सारा कुछ सेकेंड वेव फेमिनिज्म में ही है। अच्छा देखिए, अब क्या फैक्टर्स हैं कि सेकेंड वेव फेमिनिज्म आएगी? फर्स्ट वेव ने राइट टू वोट दे दिया, लेकिन फेलियर ऑफ फर्स्ट वेव टू ब्रिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। अभी सिर्फ राइट टू वोट ही मिला है आपको, ना सोशल इक्वालिटी मिली है, ना पॉलिटिकल इक्वालिटी मिली है, ना इकोनॉमिक इक्वालिटी मिली है, ठीक है। सिर्फ राइट टू वोट, तब तक आप सोच रहे थे कि जैसे उससे बड़ा कुछ हो जाएगा, लेकिन उससे बाकी फॉर्म्स ऑफ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अपनी जगह खड़े हैं। फिर फेमिनिस्ट लिटरेचर काफी इस टाइम पे आएगा, वो बहुत बड़ी वजह है, जैसे कि सिमोन डी बुवा का सेकेंड सेक्स है, इसमें वो सेक्स जेंडर डिवाइड की बात करेंगी, उसमें वो बात करेंगी कि कैसे एक फेमिनिज्म फेमिनिटी कंस्ट्रक्ट होती है, वन इज नॉट बॉर्न अ वुमेन बट वन बिकम्स वन, ये वाले जो आइडियाज हैं अब सारे इस टाइम पे आना शुरू, ये सेकेंड वेव है, ठीक है, यही सेकेंड वेव में आएगा सारा कुछ जो रेडिकल फेमिनिज्म वाला है। फिर एक और बुक जिसको एक्चुअली
कहा जाता है कि इसकी वजह से सेकंड वेव स्पार्क होती है, दैट इज फेमिनिन मिस्टेक, पैटी फ्रीडन की बुक है, और दिस बुक इज widely credited with sparking the beginning of second wave feminism. इसमें ये बात करती हैं कि औरतें जो हैं वो अपने घर में बस एक सर्टन किस्म की वो काम करती रहती हैं, उसी में फंसी रहती हैं. देखिए इनके आर्गुमेंट्स क्या हैं, जिसकी वजह से बहुत मैसिव किस्म की जो आप कह सकते हैं वेव आई. वेमेन हैव नो पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ. ठीक है, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द अजम्पशन दैट वुमेन एंजॉय डोमेस्टिक एंड फैमिली लाइफ विच इज अ मिथ. मतलब ये जो अब आप देख रहे हैं वो आइडियाज आ रहे हैं कि औरतों को घर तक कन्फाइन रखना है, उसके खिलाफ है कि इस बुक के पर्सपेक्टिव में मैं आप बस बता रहा हूँ. ठीक है, वुमेन आर अनहैप्पी, डिससेटिस्फाइड एंड अनफुलफिल्ड एज अ मदर एंड वाइफ. ठीक है, दे हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड ऑलवेज आइडेंटिफाइड रिलेटिवली एज अ मदर डॉटर. देर इज अ नीड टू ओपन इक्वल एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन. तो ये बेसिकली इन्होंने औरतों की जो एक प्लाइट थी उसको उन्होंने बताया, और बहुत ज्यादा अमेरिका में जो है औरतें इसी तरह रह रही थी, तो उन्होंने बड़ा रिलेट किया कि यार हाँ हम क्या घर में फंसे हुए हैं और बस हम सारा दिन ये करते हैं, बड़े डिससेटिस्फाइड भी. वहां से ये सेकंड वेव फेमिनिज्म आप कह सकते हैं कि काफी जोर पकड़ेगा. और क्या फैक्टर है? इंट्रोडक्शन ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड. इसको भी कहा जाता है कि आप एक नई जो है इस तरह के ड्रग्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जिससे जो है औरतें बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं. तो एक देखिए एक पिल से एक आपको अपनी एक बायोलॉजी भी कंट्रोल अब आप कर सकते हैं. तो बर्थ कंट्रोल पिल से उससे होगा क्या कि औरतें अब अपनी चॉइस ले सकती हैं कि मैंने बच्चा पैदा करना है कि नहीं. इससे पहले ऐसा नहीं था. तो ये बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशनरी चीज आती है बर्थ कंट्रोल पिल के, अब औरतें खुद कंट्रोल कर सकती हैं, उनकी चॉइस इससे एक्सपैंड हो रही है इस पिल से. ठीक है, उसका भी एक फैक्टर था सेकेंड वेव में. फिर वियतनाम वॉर प्रोटेस्ट. देखिए वैसे इस टाइम पे वियतनाम वॉर प्रोटेस्ट, सिविल राइट्स मूवमेंट, क्योंकि वेव्स तो यूएस के कॉन्टेक्स में ना, हमारे तो कॉन्टेक्स में है भी नहीं है इस तरह की. वहां पे इस टाइम पे वैसे बहुत एक सोशल अपहीवल चल रहा था यूनाइटेड स्टेट्स में, सिविल राइट्स की बात हो रही है, वियतनाम वॉर पे, ये हिपी मूवमेंट उस टाइम की, ड्रग्स आपने देखे उस टाइम पे, रॉक एंड रोल कल्चर 60s का 70s का, ये सारे का सारा ओवरलैप करता है सेकंड वेव फेमिनिज्म के साथ. उन सारों का भी इन्फ्लुएंस था सेकंड वेव फेमिनिज्म के आने में. तो ये डिफरेंट किस्म की वजूहत है कि सेकंड वेव फेमिनिज्म जो है वो प्रमोट होगा. फिर इनके प्रेजिडेंट हैं जैसे कि कैनेडी हैं, उनका एक इन्फ्लुएंस आप कह सकते हैं. उन्होंने कमीशन बनाया, प्रेजिडेंशियल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, और उसको जो है उसने औरतों के हकूक के ऊपर काफी काम किया. उसको भी उसकी वजह से भी कह सकते हैं अच्छा इन्होंने एक पॉजिटिव स्टेप उस पर लिया, उसका भी इन्फ्लुएंस है. न्यू मार्क्सिज्म का भी इन्फ्लुएंस आप कह सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ही जो है वो सोशलिस्ट जो फेमिनिज्म है वो भी आएगा. हम तो ओवरऑल वेव की बात करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म तो उसके अंदर है ही. ठीक है, अच्छा सेकेंड वेव फेमिनिज्म में मेजर दो डोमिनेंट हमें अप्रोचेज नजर आती हैं जो सेकेंड वेव फेमिनिज्म. एक है लिबरल अप्रोच, वो भी सेकेंड वेव में आती है, और दूसरी है रेडिकल अप्रोच. तो रेडिकल फेमिनिज्म और लिबरल फेमिनिज्म प्रॉपर अपनी फॉर्म में हमें सेकेंड वेव में नजर आती है. जो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म थी वो तो प्योर लिबरल थी, सेकेंड वेव में लिबरल तो है ही अभी तक, और दूसरी रेडिकल अप्रोच भी उभरेगी. लिबरल अप्रोच क्या कह रहा है सेकेंड वेव में? एक्सटेंशन ऑफ द डिमांड्स ऑफ फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, एक्सपेंडिंग फ्रॉम पॉलिटिकल इक्वालिटी टू इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी. ये जो बेटी फ्रीडन वाली बुक थी वो लिबरल फेमिनिज्म के कॉन्टेक्स में आती है, फोकस ऑन डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन. दूसरी अप्रोच जो सेकेंड वेव फेमिनिज्म में है वो रेडिकल अप्रोच है, और रेडिकल अप्रोच क्या कहती है कि बिल्कुल एक्सट्रीम वो जो हमने देखा रेडिकल फेमिनिज्म. ठीक है, और ये वो जब मिस अमेरिका प्रोटेस्ट उसको आप समझ लें कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये उससे स्टार्ट होगा और चलेगा. और रेडिकल अप्रोच क्या कहता है कि ऑप्रेशन और सोशल स्ट्रक्चर्स के ऊपर वो फोकस करते हैं, और वो ओवरऑल जो सटल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है उस पर करते हैं. इट्स हाईली थ्योरेटिकल इन नेचर. एक पूरा एकेडेमिक फील्ड ऑफ फेमिनिज्म जो है वो रेडिकल फेमिनिज्म से स्टार्ट होगा. हमें डिफरेंट जो काम नजर आते हैं, सिमोन डी बीवार की सेकंड सेक्स, केट मिलेट की सेक्सुअल पॉलिटिक्स, शुलामित फायरस्टोन की डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स, ये सारे की सारी जो हैं वो इसमें नजर आती हैं. इसमें उस सारे जो इस तरह के आइडियाज हैं इन्होंने डेवलप किए, पेट्रियार्की, सेक्स जेंडर डिस्टिंक्शन, पब्लिक प्राइवेट डिवाइड, ये सारे रेडिकल फेमिनिज्म है, वो भी आउट ऑफ सेकेंड वेव फेमिनिज्म जो है वो इमर्ज. तो ये आपने जहन में रखना है कि सेकेंड वेव में रेडिकल भी आया और लिबरल भी आया. इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं सेकेंड वेव फेमिनिज्म के? डिफरेंट आइडियाज हैं, ये मोस्टली रेडिकल फेमिनिज्म के पर्सपेक्टिव से ही हैं,
ऑपरेशन का एक आइडिया है कि औरतें जो हैं वो पूरी दुनिया में ऑप्रेस्ड हैं, ये एक आइडिया। सिस्टरहुड का आइडिया कि पूरी दुनिया की औरतें जो हैं वो आपस में लिंक्ड हैं, वो एक सिस्टरहुड के उसमें आती हैं क्योंकि सब एक एक एक्सपीरियंस फील करती हैं। लिबरेशन का कॉन्टेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि औरतों को लिबरेट करना चाहिए, ठीक है। इस तरह इन क्या और कॉन्सेप्ट डेवलप किए, ऑब्जेक्टिफिकेशन, पेट्रियार्की, सेक्सिज्म, पर्सनल पॉलिटिकल, सिस्टरहुड इज पावरफुल, कॉन्शियसनेस रेजिंग, जेंडर कॉन्फ्लिक्ट, हेट्रोसेक्सिज्म, ये सारा आप कह सकते हैं कि सेकेंड वेव में जो है वो डेवलप हुए। गोल्स ऑफ सेकेंड वेव फेमिनिज्म देख लें, स्पेशली रेडिकल, और अगर उनको मर्ज करके देखेंगे तो इकोनॉमिक इक्वालिटी, जिस मर्जी लिखे में एंटी ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन है, एंटी सेक्सिज्म इन मीडिया, रेप, पे इक्विटी, अफर्मेटिव एक्शन, रिप्रोडक्टिव चॉइस एंड बर्थ कंट्रोल, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ अबॉर्शन, ठीक है, लिबरेशन फ्रॉम पेट्रियार्कल सोसाइटी, फाइटिंग डोमेस्टिक वायलेंस, इस किस्म की अब नई नई किस्म की इनकी जो है डिमांड्स आ जाएंगी, ठीक है। तो एक राइट टू वोट जो फर्स्ट वेव में था उससे बिल्कुल ही बदल के अब एक और ही किस्म की जो है वो चीज आ। इन्फ्लुएंस इसका क्या है कि अबॉर्शन राइट्स डिबेट इससे आती है, औरतों की जो है एक वुमेन स्टडीज का पूरा फील्ड यहाँ से इमर्ज होता है, रेडिकल फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म यहाँ से निकलता है, वुमेन लिबरेशन मूवमेंट्स जो है वो सेकंड वेव। तो सेकंड वेव है क्रक्स, जो हम काफी फेमिनिज्म को जनरली जो हम परसीव करते हैं ना अपने जहन में कि यार कई लोग आपने देखे यहाँ पे बुरा भला कह रहे होते हैं, नहीं एग्री करते, वो सारा आप समझ लें कि वो रेडिकल फेमिनिज्म, ये सेकंड वेव फेमिनिज्म नहीं है, ठीक है, जिससे लोग ज्यादा यहाँ पे जिसको क्रिटिसाइज कर रहे हो। इसमें मसाइल क्या थे सेकंड वेव फेमिनिज्म में, कुछ मसले थे जिसको आर्ग्यू किया जाता था कि ये बहुत वाइट मिडिल क्लास वुमेन सेंटर्ड था, कि वाइट वुमेन थी ज्यादातर आपको जो इसमें नजर आएंगे एक्टिविस्ट, और ब्लैक वुमेन ने ये सोचा था कि यार ये तो ज्यादा इन्हीं के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि उन ब्लैक वुमेन ने फील ये किया कि ये जो वाइट वुमेन है ये खुद तो ये क्लेम करती हैं कि वुमेन जो है ऑप्रेस्ड हैं, लेकिन खुद डिस्क्रिमिनेट ब्लैक वुमेन के खिलाफ भी करती हैं, तो रेसिज्म भी उसमें उनमें पाया जाता है, ठीक है। जिस तरह बेल हुक्स का आर्टिकल लिखे, एंट आई अ वुमेन, कि क्या मैं औरत नहीं हूँ, ऑल्दो मैं ब्लैक हूँ तो क्या मैं औरत नहीं हूँ। तो इसकी वजह से बाद में फिर थर्ड वेव में इंटरसेक्शनलिज्म और वो सारे आइडियाज में आएंगे, या ब्लैक फेमिनिज्म भी एक चीज है कि ये आप अगले की रेस भी बहुत मैटर करती है, तो एक बंदा अपनी उसको भी जो है रेस को भी एक्सपीरियंस करा होता है, तो इंटरसेक्शनलिज्म इसके बाद में एक आइडिया आएगा, ठीक है। ये भी क्रिटिसिज्म होता है कि रेडिकल है या ज्यादा मिलिटेंट है, एक्सट्रीम आइडियाज हैं, और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम आइडियाज हो जाते हैं, हमारे यहाँ भी लोग यही क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। फिर वही वाला क्वेश्चन, डज द यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ वुमेन रिप्रेजेंट ऑल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, नहीं, एक वुमेन से पूरी दुनिया के औरतों का एक्सपीरियंस कैप्चर नहीं होता, हर जगह का एक हर औरत का हर कल्चर में एक एक्सपीरियंस फर्क है, और ये थर्ड वेव में उस चीज को काउंटर किया जाएगा। डिफरेंट प्रोपोनेंट्स हैं इस टाइम के, इनके नाम आप देख सकते हैं, ये रेडिकल लिबरल जो है ना वो मिक्स हैं क्योंकि सेकंड वेव में, ठीक है जी, समझ आया यहां तक आपको? अब आपने जो डिफरेंट चीजें पढ़ी थी वो उनको वेव्स के हिसाब से भी अपने जहन में कैटेगराइज करने, रेडिकल और लिबरलिज्म, ठीक है। एक तो तरीका है उनको अलग अलग देखने का, एक तरीका ये है कि उनको इस तरह से देखने का, ये क्रिटिसिज्म ही है ना ये जो मैंने आपको बताया है, ये क्रिटिसिज्म हैं कि एक तो वाइट वुमेन सेंट्रिक है, दूसरा थोड़ा एक्सट्रीम है रेडिकल वाला, थ्योरीज ऑफ वेव साथ साथ आए हैं जी। फर्स्ट वेव के कोई क्रिटिसिज्म उस तरह से नहीं है, मतलब जबरदस्ती क्या क्रिएट करने हैं, ठीक है, आप इस तरह का क्रिटिसिज्म बना सकते हैं कि बस वो वहीं तक लिमिटेड था, वो राइट टू वोट तक, और उससे ज्यादा उन्होंने कुछ मांगा, लेकिन वो भी जबरदस्ती का क्रिटिसिज्म है। इस पे तो क्रिटिसिज्म चले जेन्युइन बनते भी हैं जी, थ्योरीज आती गई हैं, और वो हम अगर हिस्टोरिकली उनको देखें, डिफरेंस आ जाता है क्वेश्चन में, तो अच्छा क्वेश्चन बताएं किसका डिफरेंस, फिर वो मैं आपको बताता हूं सेकंड वेव क्यों कहा गया, फर्स्ट में एडिशन क्यों नहीं की गई। देखिए ये हिस्ट्री के एंगल से है,
टाइमलाइन के एंगल से फर्स्ट वेव और सेकंड वेव, ये समझें, एक टाइमलाइन के एंगल से देखें ना, फर्स्ट करें ये टाइमलाइन है, एक हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें कि ये 1848 से टाइमलाइन 1920 तक फर्स्ट वेव, फिर हम देख सकते हैं कि 1960s से लेके 1980s तक गालबन, जो 1970s तक सेकंड वेव है, और फिर 1990s में थर्ड आप कह सकते हैं वेव है। इस तरह से है वेव्स, इसलिए फर्क है कि बाद में हो रहे हैं, ये बात समझ आई आपको? ठीक है रिदा, ट्वेंटी से सिक्सटी तक दरमियान स्टॉप हो गया था। हाँ इस तरह ही समझ लेना कि वो कोई मूवमेंट नहीं है उस टाइम पे, यही समझ लें कि ट्वेंटी से लेकर सिक्सटी तक इतना कोई उसमें ना कोई लोग इतने एक्टिव थे और ना कोई लोग इतना उसमें एफर्ट कर रहे थे, बस वो उसमें कोई पीरियड नहीं होगा जिसमें कोई ज्यादा एफर्ट हो रही है, इस पीरियड में ज्यादा एफर्ट हो रही है। तो ये पीरियड वो हैं, वेव से मुराद ये है, जिनमें औरतों के राइट्स के लिए काफी एफर्ट हो रही है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, इसलिए उनको वेव कह रहे हैं। फर्स्ट वेव का नाम सेकंड वेव के बाद ही दिया गया, ये एक अच्छा सवाल है, ये मैं कुछ कह नहीं सकता इस पे, नोमेनक्लेचर जो है ना बाद में बनता है, मतलब ये फर्स्ट वेव, ये थर्ड सेकंड वेव और ये फिर थर्ड वेव, इस तरह से है। सेकंड वेव के अराउंड फर्स्ट वेव को जो हिस्टोरियंस होते हैं इन चीजों के, वर्ल्ड वॉर, जिस तरह सलीम सही कह रहे हैं, जिस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, पहले उसका नाम क्या था ये बताएं, जब वर्ल्ड वॉर वन से पहले उसका क्या नाम था, पहले भी उसका एक नाम था, किसी को पता है? ग्रेट वॉर, बिल्कुल सही कह रहे हैं बिलाल, द ग्रेट वॉर उसका नाम था, और उसके बाद जब दूसरी ग्रेट वॉर हो गई तो उन्होंने उसको वर्ल्ड वॉर वन कर दिया। तो ये तो बस ऐसे ही है। तो वेव्स ऑफ फेमिनिज्म भी आई थिंक गालबन सेकंड वेव के टाइम पे उन्होंने फर्स्ट को भी कैटेगराइज किया होगा, जब हिस्ट्री का फिनोमेना हिस्टोरियंस लिखते हैं तो उसको फिर कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? चलें फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, या थर्ड टाइम जब फेमिनिज्म ने काफी स्ट्रॉन्ग जो है आप कह सकते हैं कि ये फिनोमिना मैनिफेस्ट हुआ है। थर्ड वेव फेमिनिज्म इज एन इटरेशन ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट दैट बिगेन इन द अर्ली 90s। ठीक है, अच्छा अब पता है क्या चक्कर है, थर्ड वेव एक बड़ी डाइवर्स किस्म की वेव है, कोई सेंट्रलाइज्ड जिसमें आपको ना वो समझ आती है, बस आपको डिफरेंट किस्म की इसमें एफर्ट्स नजर आ रही हैं, फेमिनिज्म की डिफरेंट आइडियाज भी डिफरेंट आ रहे हैं, इतनी कोहेरेंट भी नहीं है। तो ये ऐसे ही है, इसलिए आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना इससे, थर्ड वेव फेमिनिज्म से। कुछ चीजें जो इसमें अंडरस्टूड हैं वो देख लेते हैं कि वो क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से, क्योंकि मोस्टली तो यूएस के कॉन्टेक्स्ट में ही है ना, पाकिस्तान की वेव्स डिफरेंट होंगी हम कह सकते हैं। अनीता हिल केस होगा, ये एक फैक्टर है इसमें। अनीता हिल केस क्या है, कि ये अनीता हिल थी और इन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम लगाया था सुप्रीम कोर्ट के नॉमिनी थे क्लेरेंस थॉमस उन पे, ये फेमस केस है, और कि मतलब इन्होंने इल्जाम भी लगाया स्टिल वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए थे। इसके बाद जो है ना, ये एक बहुत इस चीज ने काफी इस पे रिएक्शन आया ओवरऑल, तो यहाँ से कहा जाता है कि थर्ड वेव जो है वो स्टार्ट होती है, और रिबेका वॉकर ने आर्टिकल लिखा बिकमिंग द थर्ड वेव, तो हम कह सकते हैं कि थर्ड वेव का क्रेडिट भी इनको जाता है। रिबेका वॉकर एक फेमिनिस्ट थी, आई थिंक ये आज भी जिंदा हैं, ये इनके देखिएगा रिबेका वॉकर, तो इन्होंने ये लिखा उस टाइम पे आर्टिकल बिकमिंग द थर्ड वेव, और वहां से जो है ये एक कह सकते हैं कि फॉर्मल उसकी आप स्टार्ट करते हैं। और क्या फैक्टर्स हैं कि थर्ड वेव आई, सेकेंड वेव बहुत वाइट सेंट्रिक थी, ज्यादातर उसमें वाइट वुमेन इन्वॉल्व थी, और ब्लैक्स और हिस्पैनिक्स और दूसरी जो औरतें थी वो नहीं उस चीज को एक्सपीरियंस कर पा रही, तो ये बहुत बड़ा एक मसला था। फिर एलिनेशन ऑफ ऑर्डिनरी वुमेन फ्रॉम रेडिकल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म इतना एक्सट्रीम है
कि वो उसकी आधे से ज्यादा औरतें बेचारी इतनी एक्सट्रीम चाहती नहीं थी कि पूरा हम सबवर्ट कर दें, लेस्बियन हो जाएं, इस किस्म की चीजें वो नहीं सपोर्ट करती थी। तो इसकी वजह से भी उसका आप कह सकते हैं कि एक उसकी तरफ एलिनेशन हो सकती है, एक नई किस्म की फिर वेव आएगी। ठीक है, फिर इंटरसेक्शनैलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक जो है वो सारे आइडियाज इस पे चल रहे हैं कि एक विमेन होता है और विमेन एक ही तरह की चीज एक्सपीरियंस करती है पूरी दुनिया में, लेकिन ये आइडिया रिजेक्ट किया जाएगा कि एक विमेन कोई कॉन्स्टेंट कैटेगरी नहीं है, विमेन एक चीज है ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस जो एक बंदा कर रहा होता है, उसका जेंडर आइडेंटिटी, उसकी सेक्शुअल ओरिएंटेशन, रेस, नेशनैलिटी, डिसेबिलिटी, ये सारे इंटरसेक्ट करते हैं तो फिर इंसान जो है वो बनता है। तो सिर्फ वुमेन कोई चीज नहीं है, ब्लैक वुमेन है, ब्लैक मुस्लिम वुमेन है, ब्लैक मुस्लिम पुअर वुमेन है, तो ये सारा इंटरसेक्ट करके उसके एक्सपीरियंस को बताएगा। कुछ ज्यादा ओप्रेस्ड होते हैं, कुछ उसमें ऊपर होते हैं। ठीक है, तो एक एक कैरेक्टर के, एक इंसान के ये सारा जो है एक्सपीरियंस मैटर करता है। ये कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा 90s में, तो एक डिफरेंट ही किस्म की एक लाइन चल पड़ेगी। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी इस पर एक इम्पैक्ट आता है 90s में जो है। फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का इन्फ्लुएंस, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म एक ही चीज है, ये कोई फर्क चीज नहीं है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म का इन्फ्लुएंस आता है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म हमने देखा है वो जो एक एक्सट्रीम फॉर्म है कि जी जेंडर आइडेंटिटीज भी एग्जिस्ट नहीं करती और बिल्कुल जो है ये सेक्स की कैटेगरी तक जो है सोशली कंस्ट्रक्टेड है। ये जूडिथ बटलर है, इनकी 90s में ये बुक आएगी जेंडर ट्रबल। तो ये जो वुमेन से जेंडर स्टडीज वाला भी शिफ्ट है ना, ये भी थर्ड वेव है 90s में। अब आप देख रहे हैं कि वो एक नई किस्म की एक पूरी एक चीज शुरू हो रही है, मेन्स फेमिनिज्म, ट्रांसजेंडर फेमिनिज्म और फिर इस किस्म के नई नई किस्म के आइडियाज जो हैं, और देख रहे हैं आपके वो इंटरसेक्शनलिज्म के साथ भी सारी चीजें जा रही हैं कि आपके एक्सपीरियंसेस फिक्स नहीं है और ये वुमेन और मैन के भी जो कॉन्सेप्ट हैं ये भी आर्बिट्रेरी हैं और हमें थोड़ा और उसको बेहतर तरीके से समझना है। तो वो जो जेंडर वाला कॉन्सेप्ट है ना, जेंडर, वो बेसिकली थर्ड वेव में आता है 90s में और विमेन से अब चीज जेंडर पे चली गई है। तो ये भी बहुत बड़ा फर्क है क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म और इस किस्म की जो आइडियाज आ रहे हैं क्वीर थ्योरी 90s में, वो थर्ड वेव में आता है। तो आप देख रहे हैं कि थर्ड वेव में आके वो चीज बिल्कुल एक और शक्ल इख्तियार कर गई है। ठीक है, एंड रिजेक्शन ऑफ सेकेंड वेव फेमिनिज्म कॉन्सेप्ट, कई इस किस्म के कॉन्सेप्ट जैसे कि जेंडर ओप्रेशन, सिस्टरहुड, यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ विमेन, ये वन कैटेगरी को अनडेमोक्रेटिक, क्वीयर्स, जेंडर फ्लूइड, ये सारे के सारे जो है वो इसमें इंक्लूड होने चाहिए। अब वो एक बहुत ही ओवरआर्चिंग किस्म की, इंक्लूसिव किस्म की अप्रोच, क्वीयर्स हैं, ए जेंडर्स हैं, जेंडर फ्लूइड्स हैं, फिर बायसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, ये सारी की सारी चीजें जो है वो थर्ड वेव में 90s में आ रही हैं इसमें। इसलिए अब एक बड़ा ही ब्रॉड किस्म का स्पेक्ट्रम हो गया थर्ड वेव फेमिनिज्म का और उसमें औरत से निकल के चीज और ब्रॉड हो गई है। और अगर औरत की भी बात हो रही है तो वो इंटरसेक्शनल पर्सपेक्टिव में हो रही है कि उस औरत के और कौन से जो हैं वो एक्सपीरियंसेस हैं। तो ये आपने इसको अब इस तरह पर्सपेक्टिव से देखना है। ठीक है, इस टाइम पे जो है पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म भी डेवलप होगा, ये भी आप कह सकते हैं कि इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म, और जिसका जिस तरह का एक्सपीरियंस है उसी तरह का एक्सपीरियंस से उसको देखा जाएगा। तो वो बड़ी स्टैंडर्डाइज अप्रोच जो हमें सेकेंड वेव में नजर आती है विमेन के वर्ड के यूज करके, वो बिल्कुल खत्म होके एक इंडिविजुअलिस्टिक एक्सपीरियंस जो है वो नजर आता है। देखिए क्लेम्स के ब्रॉडर इंक्लूजन ऑफ रिकग्निशन, स्पोकन ऑफ कलर, सेक्सुअल डाइवर्सिटी, एज, हर चीज आ जाएगी। मेंस फेमिनिज्म भी इस टाइम पे आ जाएगा। ठीक है, और उसमें ये है कि एक बहुत इंक्लूजन है, ट्रांस, ग्लोबल एक्टिविस्ट, आपको LGBT, ये सारी चीजें इसमें जो है नजर आ रही है और इसके अंदर बहुत जो है ना इसका स्कोप अब आपको ब्रॉड होता नजर आएगा। की आइडियाज क्या है, थर्ड वेव पोस्ट मॉडर्निज्म भी इसे कह सकते हैं, थर्ड वेव फेमिनिज्म भी कह सकते हैं, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म के एंगल से भी कह सकते हैं। देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अब पोस्ट मॉडर्निज्म तो आ गया थर्ड वेव वाले टाइम पे, लेकिन लिबरल वाले भी चल रहे होंगे, कई फेमिनिस्ट होंगी जो लिबरल होंगी इस टाइम पे भी। तो ये कोई एक फिक्स नहीं होता। वेव से मुराद ये है कि उस टाइम पे हाई इमोशन चल रहा होगा और उसकी पीक होगी, उसमें लिबरल्स भी होंगे और दूसरे भी होंगे, लेकिन ये है कि हाँ अब नई चीज जरूर ये आ गई है पोस्ट मॉडर्निज्म। तो थर्ड वेव में आप कह सकते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म का काफी इन्फ्लुएंस। नॉन यूनिवर्सलिस्ट है थर्ड वेव
और रिजेक्शन ऑफ यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ वुमेन, नो जनरलाइजेशन एंड बाइनरी ऑफ मेन वुमेन सेक्स जेंडर मैस्कुलिन फेमिनिन, कह रहे हैं ये सारा कुछ बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक स्पेक्ट्रम होता है सेक्सुअलिटी का, स्पेक्ट्रम होता है जेंडर का, आप फिक्स नहीं कर सकते, आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो वो वुमेन वाला तो आइडिया ही खत्म हो गया ना। इंटरसेक्शनैलिटी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर इज एन इंटरसेक्शन ऑफ फैक्टर्स, जेंडर, रेस, कास्ट, एथनिसिटी। सो वुमेन्स ऑप्रेशन इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन जेंडर, वुमेन्स ऑप्रेशन इज बेस्ड ऑन अदर फैक्टर्स एज वेल। कल्चरल रिलेटिविज्म है कि एक वाइट मैन पर्सपेक्टिव हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, कि उनकी जो एक देखे ना, और जो वाइट मैन, जो वाइट वुमेन है उसकी डिमांड भी वाइट वुमेन वाली है, ठीक है, कि सेक्सुअल फ्रीडम हो, ये हो सकता है कि ये आइडिया ईस्ट में अप्लाई ना होता हो, औरतों को ना चाहिए हो वो चीज। तो ये भी एक आइडिया है कि भाई जिसकी जो जिसका जो एक्सपीरियंस है वो उसके हिसाब से होगा। क्यों ये एक स्टैंडर्डाइज किस्म की एक अप्रोच जो है वो अप्लाई हो कि जी हम ये कह रहे हैं कि इस तरह होना चाहिए तो वही सबके लिए सही है। तो ये भी एक फर्क है कि हर किसी के अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से होगा। इसमें एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी है, एक्सेप्टेंस ऑफ प्लूरैलिटी है, ठीक है। क्वीर थ्योरी भी जो है वो इस टाइम पे आती है, और अब लेस्बियन स्टडीज, गे एंड बाय स्टडीज, ट्रांससेक्सुअल स्टडीज, इस तरह की मूवमेंट सारी की सारी थर्ड वेव के बाद आपको नजर आती है, ठीक है। अब इसके बाद कई तरह के, इसलिए फेमिनिज्म थर्ड वेव के बाद आ गए हैं क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फेमिनिज्म हो गया ना। ब्लैक फेमिनिज्म आ गया टू वर्क फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन, पोस्ट कॉलोनियल है कि कॉलोनियलिज्म का क्या इम्पैक्ट होता है वुमेन पे, दलित फेमिनिज्म है, और इससे लेकिन ये है कि इतनी डाइवर्सिटी होने से वो एक सेंट्रलाइज अप्रोच थी वो वीक हो गई है। इसलिए वीकनिंग ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स है क्योंकि अब हर कोई अपने लिए लड़ रहा है, दूसरों के लिए जो है वो नहीं कर रहा क्योंकि वो अपनी सर्टन पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए उस एंगल से देख रहा है। नए कॉन्सेप्ट कुछ हैं, स्ट्रेन्स हैं थर्ड वेव फेमिनिज्म में। सेक्सुअल हैरेसमेंट का कॉन्सेप्ट काफी जो है सेंट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें फोर्थ वेव का भी आप कॉन्सेप्ट ला सकते हैं क्योंकि वो कोई एज सच है नहीं जो भी करंट है, ठीक है। फोर्थ वेव पे इसके बाद में बात करते हैं। इंटरसेक्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट है, सेक्स पॉजिटिविटी का भी कॉन्सेप्ट आया है। सेक्स पॉजिटिविटी क्या होता है कि सेक्स को एज अ टैबू ना देखा जाए और उसको जो है वो एक्सेप्ट किया जाए एज अ कल्चरल नॉर्म, ठीक है। फिर और कई फॉर्म्स हैं, वेजिटेरियन एक्को फेमिनिज्म, ये भी एक अजीब सी फॉर्म है फेमिनिज्म की, वो भी इस टाइम पे जो है वो उभर के डिफरेंट डिफरेंट किस्म की अब आपको इस टाइम पे नजर आएंगे। ट्रांस फेमिनिज्म इस टाइम पे उभरती है, ठीक है, ट्रांस जेंडर उनके राइट्स के लिए। पोस्ट मॉडर्निज्म फेमिनिज्म है, ट्रांसवर्सल पॉलिटिक्स है, इस किस्म की सारी चीजें जो है वो इस टाइम पे उभरेंगी, ठीक है। तो इसमें आपको नजर आता है कि एक बहुत डाइवर्सिफिकेशन नजर आ रही है, कुछ सेंट्रलाइज्ड आपको इसमें कोई इंटरप्रिटेशन भी नहीं इनकी जो है वो नजर आती, लेकिन जो नजर आता है कि वो एक डाइवर्सिटी नजर आती है। इसलिए इसके क्रिटिसिजम्स देखे हैं, इसके क्रिटिसिजम्स क्या हैं कि देयर इज लैक ऑफ कोहिजन, और देखिए द फर्स्ट वेव फॉट फॉर एंड गेन द राइट टू वोट, द सेकंड वेव फॉट फॉर द राइट फॉर वुमेन टू हैव एक्सेस टू एन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन वर्क एज वेल एज एंड ऑफ लीगल सेक्स डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड वेव lacks a cohesive goal, ठीक है ना, और कोई इसकी as such clear कोई वो समझ नहीं आती क्या है। और फिर कई ये भी हैं कि कई वेव कंस्ट्रक्ट को जो है उसको भी इतना पसंद नहीं करते कि ये जो वेव वाला कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, ये भी जो है अमेरिका के साथ रिलेट करते हैं, इसका ओवरऑल फेमिनिस्ट थॉट से कोई उस तरह से लिंक नहीं है, ये भी उसका क्रिटिसिज्म है, ठीक है। तो वो थर्ड वेव जो अपने आप को क्लेम करें वो भी उसको इतना पसंद नहीं करते, सही है। तो इस किस्म के इसके डिफरेंट किस्म के जो है वो आइडियाज हैं। इसमें आप मेजर प्रोपोनेंट्स देख लें, ये कुछ इसमें आपको लिबरल वाली भी मिलेंगे, नायमी वुल्फ, कुछ जो है वो पोस्ट मॉडर्निस्ट किस्म के मिलेंगे जैसे कि जूडिथ बटलर वगैरह, कुछ इसमें इंटरसेक्शनलिस्ट किस्म के मिलेंगे जैसे कि ये ब्रिज फॉर माई बैक एक बुक है, उस पर्सपेक्टिव से जो है वो आपको मिलेगी। तो आपको दोनों तीनों इस वेव्स में मिलेंगे, इंटरसेक्शनल वाले भी जो ब्लैक राइट्स के लिए कर रहे हैं, लिबरल वाले भी जो मोस्टली सेक्सुअल हरासमेंट उन चीजों पे कर रहे हैं, और फिर जो है ना फाइनली आपको मिलेंगे जो कि इंटरसेक्शनल वाले भी हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज अभी ज़हन में रखिएगा कि आप एक फोर्थ वेव में भी ऐड कर सकते हैं, या उसको थर्ड वेव में ही कर दें या फोर्थ वेव में कर दें, या अपनी फोर्थ वेव ही बना लें तो बेहतर है। और फोर्थ वेव क्या होगी, फोर्थ वेव क्या होगी, मी टू मूवमेंट, ठीक है,
#MeToo मूवमेंट, तो इसके पर्सपेक्टिव से आप फोर्थ वेव बिल्ड कर सकते हैं। तराना बर्की के नाम से है मीटू मूवमेंट, उन्होंने स्टार्ट की, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करके जो है औरतें अपने हैरेसमेंट के एक्सपीरियंसेस को जो है वो लेके चलेंगे। इसमें आपको हार्वी वाइनस्टीन और उसको भी आप कोट कर सकते हैं। तो ये फोर्थ वेव आप कह सकते हैं कि हम इसका अभी का पार्ट है, और इसमें इंटरनेट एक्टिविज्म, ट्विटर एक्टिविज्म और हैशटैग्स और उसके अंदर ये सारी चीजें जो हैं अब बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप फोर्थ वेव एक आप खुद ही कैटेगरी जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ आया आप लोगों को? पाकिस्तान के अंदर अगर आपने वेव्स बनानी हो तो वेव्स कैसे बनेंगी आज का भी डाल के, क्योंकि अभी भी तो एक वेव है ना जो पाकिस्तान में हर साल औरत मार्च होती है, वो एक वेव ही है ना, तो पाकिस्तान की वेव्स कैसे होंगी? ये जो वेव्स है बस ये ओवरऑल है, कोई गवर्नमेंट से भी है उसके अंदर उस पर लिटरेचर भी काम हो रहा है, उसमें बुक्स भी लिखी जा रही हैं, एक्टिविज्म भी हो रहा है, सारा कुछ ही मिला के इसलिए उसको वेव कह रहे हैं। कोई एक सेंट्रलाइज कुछ नहीं होता, बस एक पीक है उस चीज की कि बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे पाकिस्तान में औरत मार्च हो रहा है, बेगम रियाकत स्टार्टेड फर्स्ट वेव टू प्रोटेक्ट रिफ्यूजी वुमेन, बिल्कुल सही है। फिर हो सकता है सेकेंड वेव क्या आप कह सकते हैं फिर पाकिस्तान में? जी बिल्कुल ठीक है, सेकेंड वेव वो हो सकता है। हैशटैग फेमिनिज्म इन पाकिस्तान नूर मुकद्दम केस, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में औरत मार्च वाला जो फिनोमेना है 3-4 सालों से, वो भी तो एक थर्ड वेव या सेकेंड वेव, जैसे भी आप कैटेगराइज करना चाहें कर सकते हैं उसको। मीशा शफी केस बिल्कुल सही है, वो मी टू में भी आ जाएगा मीशा शफी केस। मोटरवे केस है लेकिन वो फेमिनिज्म के उसमें तो नहीं आता, लेकिन जेंडर बेस्ड वायलेंस के उसमें आप कह सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया आप लोगों को? सेपरेट डेस्क फॉर वुमेन, ट्रांसजेंडर राइट्स, हाँ ट्रांसजेंडर राइट्स मूवमेंट, ये आशा ने सही बताया। रिसेंटली पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर राइट्स मूवमेंट हुई है, उनके आईडी कार्ड्स बने हैं। वो एक है, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, वो न्यूज़कास्टर भी है ट्रांसजेंडर, तो ये भी पाकिस्तान में भी शुरू हुआ है, बिल भी पास हुआ है, बिल्कुल सही है। तो ये चीजें जरूर लिख लें, पाकिस्तान में भी आप उसका वेव्स के फॉर्म पे एनालिसिस कर सकते हैं। जन्नत अली, डॉक्टर मुइज और वजा सिराज, बिल्कुल सही है। मारविया मलिक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलें, देखिए अब हमने क्या कुछ पढ़ लिया है। एक तो हमने जनरल जेंडर स्टडीज के आइडियाज पढ़े, फिर हमने जेंडर स्टडीज के जो है ये पढ़ा कि डिफरेंट आइडियाज, सेक्स जेंडर डिवाइड और ये सारी चीजें पढ़ी, फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म पढ़े हैं, लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म और इस किस्म की कई चीजें हमने पढ़ी हैं। फिर जो है हमने वेव्स ऑफ फेमिनिज्म पढ़ा कि डिफरेंट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, स्पेशली ये अमेरिका के पर्सपेक्टिव में ही है, ये सारे डिफरेंट वेव्स ऑफ फेमिनिज्म जो हैं वो कैसे इमर्ज हुए हैं। ठीक है, अब हमारे जो स्पोर्ट्स का एक बिल्कुल ही अलग डायमेंशन जो है वो शुरू हो जाएगी, और उसमें एक टॉपिक आपका है यूएन कॉन्फ्रेंसेस ऑन वुमेन, कि कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेस जो है वो औरतों पे हुई हैं। ठीक है, बड़ी ये क्रैमिंग किस्म की चीज है, सच्ची जो बात है इसमें कोई कॉन्सेप्ट जीरो है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप उसको लिख लें, कॉपी कर लें और बाद में आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। लेकिन यह है कि आपको कंटेंट कंसाइज मिल जाएगा तो आसानी हो जाएगी। देखिए यूएन कॉन्फ्रेंसेस ऑन वुमेन क्या है,
फोर कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं औरतों पे, 1975 की मेक्सिको वाली है फर्स्ट है, उसके बाद कोपेनहेगन वाली सेकंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है 1980 की, नायरोबी की जो है वो थर्ड कॉन्फ्रेंस है 1985 की, और बीजिंग जो है वो आखिरी बड़ी वाली थी। ठीक है, उसके बाद रिव्यू कॉन्फ्रेंसेज हैं, उनको बेशक छोड़ दें, उसे भी फर्क नहीं पड़ता। तो चार यूएन कॉन्फ्रेंसेज हैं वुमेन पे। जब यूएन बना था, यूएन ने तब बनाया एक इदारा अपना ही अंडर स्टेटस ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, और इसने जो है वो काफी सारी जो है इनके ऊपर काम किया, औरतों पे राइट्स पे और उस पर। ठीक है, सो कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड फॉलोइंग अप द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस। तो उसने बहुत सारी ऑर्गेनाइज की हैं और उसने उनको लेके चला। सबसे पहली जो है वो मेक्सिको सिटी की है 1975 की, फर्स्ट यूएन कॉन्फ्रेंस है, और गोल्स इसके वही हैं जैसे जो होती हैं, फुल जेंडर इक्वालिटी एंड एलिमिनेशन ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन वर्ल्ड पीस, इस किस्म की सारी चीजें हैं। ये कोई बहुत फर्क नहीं, आपको पता है इसी किस्म की बातें हैं। ठीक है, इसमें जो है वर्ल्ड प्लान ऑफ एक्शन बनेगा, और वर्ल्ड प्लान ऑफ एक्शन के जी अगले 10 साल हम इसको जो है इन चीजों को फॉलो करेंगे। तो ये पहली आप कह सकते हैं अ ग्लोबल डायलॉग इज ओपन्ड, कि पहली दफा औरतों की उसमें डिस्कशन होगी कि औरतों के राइट्स पे यूएन के फोरम। सही है, यूएन ने अपने दो डिविजन्स भी बनाए। ठीक है, इंटरनेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, इसके बाद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन, तो इसके बाद ये होता है। और इसके बाद एक वुमेन डेकेड डिक्लेयर होता है 1975 से 1985 तक। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इस कॉन्फ्रेंस का एक रिजल्ट निकलता है। उसके बाद दूसरी यूएन कॉन्फ्रेंस है कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस 1980 की, और उसमें क्या होता है कि उसी तरह सारे मुल्क मिलते हैं, उसी तरह की बातें, ये बड़ी जनरल कंसर्न्स होते हैं सब में, एक ही तरह होते हैं। ठीक है, इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राइट्स फॉर वुमेन, एड्रेसिंग वुमेन्स नीड इन प्लानिंग, वुमेन इन डिसीजन मेकिंग, और इस किस्म की जो है वो एक हाइपोथेटिकल सी सारी जो बातें होती हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्लीज वो ध्यान में रखिएगा, इसके इसी के साथ ही जो है वो सी डॉ साइन होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान में रखना है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये यूएन जनरल असेंबली एक रेजोल्यूशन जो है वो एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद जो है वो जो भी उसमें उसको साइन करेंगे इवेंचुअली, ये एक ट्रीटी है सीडॉ जिसको सारे जो मुल्क साइन करते हैं उसके बाद उनको ये करना पड़ता है कि डिफरेंट औरतों के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको करेंगे। हमने पाकिस्तान का पढ़ा था, पाकिस्तान ने भी 1996 में इसको रेटिफाई किया अपने मुल्क में। तो इसके रिजल्ट में हम कह सकते हैं ये आता है, इसके साथ ही लिंक्ड है। उसके बाद 1985 में नायरोबी में होती है, और उसमें बेसिकली आइडिया ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली एक आइडिया आएगा वुमेन एम्पावरमेंट का, जो आइडिया आपने बहुत सुना होगा कि औरतों को एम्पावर किया जाए, कि औरतों को पावर दी जाए। सिंपल यही है कि जहां पर पावर होती है, अथॉरिटी है, अगर औरतों को एम्पावर किया जाएगा तो उससे कई गुण जो है वो मसले वो आपके ऑटो पे रिजॉल्व होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक आइडिया डेवलप होगा, प्लान ऑफ एक्शन है, नायरोबी फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजीज, इसको आप कर सकते हैं। असल में ये इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी और नहीं होता, इन टॉपिक्स में इतनी ही स्टैटिक इंफॉर्मेशन होती है, इग्नोर भी नहीं कर सकते, आपकी नजर से गुजरा हो, क्योंकि पता कुछ नहीं होता एंड पे क्या आ जाए फाइनल पेपर में, क्योंकि आपके सिलेबस में है, तो बेहतर है कि आपने ये किया हो, एटलीस्ट आपकी नजर से गुजरा हो। उसके बाद फाइनली है बीजिंग की कॉन्फ्रेंस 1995 में, और ये फोर्थ वुमेन कॉन्फ्रेंस है, और इसमें ये हम कह सकते हैं कि फोकस जो है वो विमेन से जेंडर पे चला गया। हमने देखा 90s में वैसी ओवरऑल जेंडर पे चीज चली गई है, तो बीजिंग कॉन्फ्रेंस में भी हम कह सकते हैं 1995 की कि ये हो रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, कि ये बीजिंग डिक्लेरेशन है, ये इंपॉर्टेंट है कि हमने ये हम करेंगे। डिफरेंट प्लान्स ऑफ एक्शन होते हैं जो कि दे दिए जाते हैं कि ये आपने फॉलो करने हैं। ठीक है, ये डिफरेंट जो 189 मुल्क हैं ये इसको साइन करेंगे, और एक प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन होगा जिसपे सारे अपने एक्शन करेंगे। 12 एरियाज क्या है प्लेटफॉर्म एक्शन के, विमेन एंड पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, आर्म कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमी, इस सारी चीजों पे जो है इनमें काम होगा। इसके बाद फॉलो अप कॉन्फ्रेंस हुई 5-5 साल बाद, बीजिंग प्लस 5, बीजिंग प्लस 10, बीजिंग प्लस 15, बीजिंग प्लस 20, और ये कॉन्फ्रेंस जो खत्म होगी। तो ये चार जो हैं
वो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं यूएन की, ठीक है। ये बड़ी स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, क्रैमिंग वाली इंफॉर्मेशन है, और ये ऐसे ही है, इसका कोई और तरीका नहीं इसको करने का, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को? जी क्लियर हो गया, समझ आ गया। ये बस आपने क्रैम ही करना है, इसका और कोई तरीका नहीं है, ये जो कॉन्फ्रेंसेस हैं। मुझे तो खुद बड़ा ही मुश्किल होता है ये इस किस्म की चीजें प्रिपेयर करना, ये जो यूएन एंड कॉन्फ्रेंसेस, और ये आई फाइंड इट रियली डिफिकल्ट। कॉन्सेप्ट शॉन्सेप्ट तो बंदा एब्जॉर्ब कर लेता है, समझ लेता है, लेकिन ये जो प्योर रटे वाली चीजें होती है ना, वो नहीं होती प्रिपेयर। जी क्लियर है, बाकी सब भी बताएं ताकि हम आगे बढ़े। ठीक है, अच्छा आज के लिए ये बहुत है, और बाकी जो है वो फिर इंशाल्लाह हम कल से करते हैं, क्योंकि ये स्टेटस ऑफ वुमेन इकट्ठा ही हम करेंगे, वरना आपको भी जो है ना उसे समझ नहीं आए, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहां तक क्लियर हो गया।